गोल्ड मूवी के फैक्टो रिव्यूज़ गोल्ड 2018 की एक भारतीय हिंदी भाषा की पीरियड स्पोर्ट्स फिल्म है जो रीमा कागती द्वारा लिखित और निर्देशित और फरहान अख्तर और रितेश सिद्धावनी द्वारा निर्मित है फिल्म में अक्षय कुमार मोनी रॉय अमित शाह कुणाल कपूर विनीत कुमार सिंह सैनी कोसाल और नितिकता दत्ता जैसे कलाकार शामिल है फिल्म का निर्देशक रीमा कागती है लेखक है पटकथा रीमा कागती संवाद राजेश देवराज का कहानी है रीमा कागती और राजेश देवराज की उत्पादित किया रितेश सिद्धावनी ने और फरहान अख्तर ने अभिनी अक्षय कुमार मोनी रॉय कुणाल कपूर अमित साध विनीत के सिंह सनी कोसवाल ने दत्ता छायांकन है अलवार अलवारों गुतिरोज के संपाते संपत्ति है आनन्द सुबह की संगीत है गाने का स्कोर सचिन जिगर का है अतिरिक्त गाने तनिष्क बागची और आर के पार्व मुखर्जी के हैं। उत्पादन कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट है, है। वितरित किया एस ए ए फिल्म द्वारा रिलीज की तारीख है पंद्रह अगस्त दो हजार अट्ठारह कार्यक्रम एक सौ इक्यावन मिनट देश भारत और भाषा हिंदी गोल्ड एक सौ गोल्ड १९४८ में अड़तालीस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के भारत की भारतीय हिंदी टॉप टीम की यात्रा पर आधारित है यह तपनदास पर आधारित जिसने उसी स्पर्धा के भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया था गोल्ड को भारत के स्वतंत्रता दिवस के दौरान 15 अगस्त सन को हजार के रूप में रिलीज किया गया था और यह फिल्म काफ़ी अच्छी सफल रही कहानी सन उन्नीस में बर्लिन ओलंपिक के समय में शुरू होती है जब नाटकीय भारतीय टीम में जर्मनी के खिलाफ हॉकी फाइनल खेला जाता था नौ द्वारा भारतीय टीम के खिलाफ आक्रामक तरीके से खेलने की कोशिश के बावजूद भारतीय ने दूसरे हाफ में जीतना शुरू कर दिया जब टीम ने साहसक प्रबंधक तपन दास ने उन्हें हाफ टाइम ब्रेक के दौरान भारतीय ध्वज दिखाया जब कप्तान सम्राट और टीम को स्वर्ण पदक मिलता है तो ब्रिटिश गान बजाया जाता है और ब्रिटिश भारत का झंडा फहराया जाता है लेकिन भारतीय टीम खुद को वादा करती है कि वे अपनी मातृभूमि की ओर से एक बार फिर स्वर्ण पदक जीतेंगे और भारत की आज़ादी मिलने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के कारण अगले ओलंपिक रद्द पर कर दिया जाएगा युद्ध के बाद नशे में धुत और बिगड़ेल तपन घूमता रहता है और कई दावों में हर जाता है लेकिन जब उसे खबर मिलती है कि अगला ओलंपिक सन 1948 में लंदन में होगा तो वह शांत हो जाता है और भारत को एक स्वतंत्र देश के रूप में हॉकी खेलने कोचिंग देने की आकांक्षा रखता है सन 1948 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में नौ सिखिया हॉकी टीम के ने स्वतंत्र भारतीय के लिए पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक अर्जित किया तपन अब टीम के संयुक्त प्रबंधक के रूप में अपना पद जीतने के लिए संघर्ष कर रहा है और नई पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को लाने का वादा करता है वह मिस्टर वाडिया को समझाने में कामयाब हो जाता है और वापस अपने काम पर चला जाता है टीम का मार्गदर्शन करने के लिए वह पूर्व हॉकी कप्तान सम्राट जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं से मिलता है लेकिन सम्राट ने मना कर दिया कि वह टीम के साथी इम्तियाज अली शाह को सुझाव दिया कि इम्तियाज सम्राट के साथ सन उन्नीस सौ छत्तीस के ओलंपिक में एक महान योगदान योगदानकर्ता भारतीय राष्ट्रीय सेना के एक सैनिक थे और तपन इम्तियाज से मिलता है और वह स्वतंत्र भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने के अपने सपने को शपथ को जारी रखने का फैसला करते हैं भारत की आज़ादी निकट आने का तपन टीम के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की तलाश करने के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों की यात्रा करता है तपन ने अपना वादा निभाया और कई क्षेत्रों में खिलाड़ियों को लेकर राष्ट्रीय हॉकी टीम बनाई इनमें मध्य भारत और पंजाब प्रतिभाशाली सेंटर फॉरवर्ड की जोड़ी ठाकुर रघुवीर प्रताप सिंह और हिम्मत सिंह भी शामिल थे इस बीच भारत को आजादी तो मिल गई लेकिन उसका भारत और पाकिस्तान में विभाजन हो गया एक दंगे के दौरान इम्तियाज घायल हो जाता है और सब जब कुछ हिंदुओं के सिखों के जिन, उसे जिंदा जलाने की कोशिश की जाती लेकिन तपन और हिंसक हिम्मत ने उसे बचा लिया वे हॉकी क्लब में इम्तियाज के घर पहुंचते हैं लेकिन उसे निराशा होती है कि उनका घर जलकर नष्ट हो जाता है दुखी इम्तियाज ने भारत में आगे रहने से इनकार कर दिया और लाहौर के लिए रवाना हो गया दुखी तपन तो बताते हैं कि देश के बंटवारे के साथ ही उनके सपने और आकांक्षाएं भी टूट गई आधी टीम पाकिस्तान के लिए खेलती लेकिन जब कुछ अन्य मुख्य रूप से एंग्लो इंडियन ऑस्ट्रेलिया चले गए तपन तो ने इसे अपने दम पर बनाने का फैसला किया और एक छोटे बोध स्कूल के अभ्यास के लिए टीम को लाया आश्रम के प्रमुख भिक्षु आश्वत है क्योंकि वह हॉकी के और सम्राट के बहुत बड़े प्रशंसक थे तपन से ही पैसे की टीम पैसों से टीम को यहाँ लाया और उनकी पत्नी मोनोबिना दास ने उनका समर्थन करती है और उनके सपनों को साकार करने के लिए मदद करती है प्रशिक्षण शुरू हो गया लेकिन कई विदों के कारण खिलाड़ियों के बीच टीम वर्क की कमी है अपने घमंड का का कायम रखने वाला रघुवीर हमेशा कड़ी मेहनत करने वाला हिम्मत से पार करने की कोशिश करता दूसरी ओर दे देवांग चतुर्वेदी बुद्धि और वेग के साथ एक एक कुशल खिलाड़ी है तपन के साथ तपन और सम्राट अतं खिलाड़ियों को एकता का पाठ पढ़ाते हैं और प्रशिक्षण समाप्त करते हैं सम्राट देवांग को कप्तान और रघुवीर के को उप कप्तान बनाता है और तपन से कहता है कि हिम्मत एक छिपा हुआ खजाना है जिसका ओलंपिक जिसका उपयोग ओलंपिक में सही समय पर किया जाएगा श्रीवाडिया हॉकी काउंसिलिंग के अध्यक्ष के रूप में मुख्य कोच बन जाते हैं और तपन को एक बार फिर टीम के सहायक प्रबंधक के रूप में सम्मानित किया जाता है इस चालू मेहता ने अपने पे के कुछ शराब पिलाकर तपन को धोखा दिया और नशे में धुत तपन हॉकी काउंसिलिंग द्वारा आयोजित पार्टी में बहुत बुरा व्यवहार करता है और उसे उसके पद से हटा दिया जाता है हालांकि उसकी जगह मेहता को नियुक्त किया जाता है टीम को अब मेहता द्वारा लंदन में ओलंपिक स्तर पर लाया गया लेकिन मेहता का सामान्य अहंकार और अभिमान खिलाड़ियों के सामने उनकी खराब छवि को सामने लाता है जब वे उसके खिलाफ शिकायत करते हैं तो श्रीवाड़िया फिर से तपन को बुलाते हैं और फिर और तपन श्रीवाडिया और आस के आशीर्वाद से लंदन आते हैं और वे स्वयं न्यूयॉर्क से वहां लौटे थे ओलंपिक शुरू हो गया लेकिन हिम्मत को खेलने की अनुमति नहीं है भारत सेमीफाइनल में पहुँचने और जीतने के लिए अच्छा खेलता है लेकिन चूँकि वह खिलाड़ियों की सूची में नहीं है हिम्मत को लगता है कि वे उसे नीचा दिखाने के लिए रघुवीर की एक साजिश है एक जश्न के दौरान हिम्मत रघुवीर से लड़ने लगता है और उनके बीच झगड़ा बढ़ जाता है जिससे हिम्मत की छवि खराब हो जाती है और देवांग और रघुवीर ने हिम्मत को समझाने की कोशिश की कि यह तपन ही था जिसने खेल के लिए खिलाड़ियों की सूची का चयन किया था लेकिन सब व्यर्थ है आतंक से फाइनल में, में तपन ने हिम्मत को खेलने के लिए सूचीबद्ध किया लेकिन चूंकि अन्य खिलाड़ियों ने पिछली रात उसके व्यवहार के खिलाफ शिकायत की थी इसलिए हिम्मत ने को खेलने से अनुमति नहीं है तपन इसका कारण बताते हैं कि, कि लीग मैच के लीग में में प्रतिद्वंदी खिलाड़ी अच्छे खिलाड़ी पर निशाना लगाते हैं और सेमीफाइनल या फाइनल में निशाना लगाते हैं लगाते हैं कि जिससे उनके लिए अच्छा खेलना मुश्किल हो जाए हालांकि भारत सेमीफाइनल जीतता है लेकिन यह एक कठिन मैच बन जाता है फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ अपने फैले हाफ के हिम्मत फिर से मैच बैच पर बैठा था और ग्रेट ब्रिटेन ने दो खे गोल किए आधे समय के दौरान भारतीय ड्रेसिंग रूम में तपन की मेहता के साथ हिम्मत के खेलने की आवश्यकता के बारे में ताकि तीखी बहसी और जब मेहता ने अंतिम समय में टीम बदलने के इनकार कर दिया तो तपन सभी को भारतीय ध्वज दिखाता और उन्हें बताता है कि अपने सामने के सा, अपने सपनों को साकार करते हुए देखते हैं देखने के लिए बर्लिन ओलंपिक के बाद से इसे लेकर चला गया जब रघुवीर को यह कहते हुए कि कैम कमरे से बाहर चला जाता है कि अगर वह टीम की एकता को नहीं समझेगा तो उसके लिए बहुत देर हो चुकी इसके बाद दूसरा हाफ शुरू होता है तो तो हिम्मत खेलते नजर आते हैं और फिर रघुवीर की मदद से गोल करते हैं हालांकि खराब मौसम की स्थिति अंग्रेजों के पक्ष में लग रही थी तपन ने जमीन पर पकड़ बनाने के लिए सभी को अपने जूते खोलने के लिए कहा आखिरकार हिम्मत के आखिरी मिनट में किए गए गोल ने भारत को चार तीन से मैच जिता दिया और अंत में जब कप्तान देवाग को स्वर्ण पदक मिलता है तो स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है और जन, गान गाया जाता है और गोर विन तपने ने वंदे मातरम शब्दों के साथ कथा का, का समाप्त किया राष्ट्र क्योंकि राष्ट्रीय गान समाप्त होता है और खुशी के आंसू झलक पड़ते हैं ढालना में देखा गया तपन दास के रूप में अक्षय कुमार ने किरदार निभाया तपन की पत्नी मोनी बिना दास के रूप में मोनिरोय ने, ने किरदार निभाया सम्राट के रूप में कुणाल कपूर ध्यानचंद कैसे प्रेरित किरदार निभाए रघुवीर पे रघुवीर पे प्रताप सिंह के रूप में अमित शाह कैडी सिंह के प्रेरित किरदार निभाते हुए नजर आए इमताज अली शाह के रूप में विनीत कुमार सिंह ने किरदार निभाया हिम्मत सिंह के रूप में।, में सनी कोशाल ने किरदार निभाया सिमरन के रूप में निकता दत्ता ने किरदार निभाया इवान रोड्रिक्स खेल अधिकारी के रूप में नजर आए सर जेम्स बेनस सन के रूप में एंड्र हेलविन ने किरदार निभाया सूर्यकांत पंत के रूप में लक्ष्य कोचर ने किरदार निभाया देवांग चतुर्वेदी के रूप में उदयवीर संधु ने किरदार निभाया तेज सिंह रंधावा के रूप में भावशील सिंह साधी साहनी ने किरदार निभाया हारिस के रूप में अब्दुल कादिर अमीर ने किरदार निभाया आसिम बिलाल के रूप में वे वरुण सिंह राजपूत ने किरदार निभाया बसीर अहमद के रूप में प्रवीण जयसवाल ने किदार निभाया श्री मेहता के रूप में अतुल काले ने किरदार निभाया डेरियस श्रोफ मिस्टर वाड़िया के रूप में निभाए लेगफोर्ड एडम के रूप में तेजस्वी देव चौधरी ने किरदार निभाया फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2016 में उसके मुख्य अभिनेता अक्षय कुमार ने की थी अर्जुन पुरस्कार विजेता और भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह को अभिनेताओं को उनके हॉकी कौशल के सुधार करने के लिए प्रशिक्षण करने के लिए अनुबंधित किया गया था प्रमुख शूटिंग यॉर्कशायर और द मेडलसेंट इंग्लैंड में की गई थी निर्देशक रीमा कागती ने कहा कि कुछ जो कुछ हुआ था उस पर यह एक काल्पनिक कहानी थी और साथ ही यह सिर्फ सन उन्नीस सौ अड़तालीस की सर में जीत नहीं थी और हम देख रहे हैं कि बल्कि इसमें भारत के इतिहास में बारह महत्वपूर्ण एड स्पोर्ट्स फिल्म हैं जो रीमा कागती द्वारा लिखित और निर्देशित और फरहान अख्तर और रितेश सिद्धावनी द्वारा निर्मित है फिल्म में अक्षय कुमार मोनी रॉय अमित शाह कुणाल कपूर विनीत कुमार सिंह सैनी कोसल और नितिकता दत्ता जैसे कलाकार शामिल है फिल्म का निर्देशक रीमा कागती है लेखक है पटकथा रीमा कागती संवाद राजेश देवराज का कहानी है रीमा कागती और राजेश देवराज की उत्पादित किया रितेश सिद्धावनी ने और फरहान अख्तर ने अभिनी अक्षय कुमार मोनी रॉय कुणाल कपूर अमित शाद विनीत के सिंह सनी कोसवाल ने किता दत्ता छायांकन है अलवार अलवारो रोज के संपाते संपत्ति है आनंद सुबाई की संगीत है गाने का स्कोर सचिन सिंह जिग्गर का है अतिरिक्त गाने तनिष्क बागची और आर के पार्व मुखर्जी के हैं उत्पादन कंपनी एल एक्सेल एंटरटेनमेंट है, है वितरित किया एस ए ए फिल्म द्वारा रिलीज की तारीख है पंद्रह अगस्त दो हज़ार कार्यक्रम एक सौ इक्यावन मिनट देश भारत और भाषा हिंदी गोल्ड एक सौ गोल्ड उन्नीस सौ अड़तालीस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के भारत की भारतीय हिंदी टॉप टीम की यात्रा पर आधारित है यह तपन दास पर आधारित जिसने उसी स्पर्धा के भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया था गोल्ड को भारत के स्वतंत्रता दिवस के दौरान 15 अगस्त सन 2018 को अठारह के रूप में रिलीज किया गया था और यह फिल्म काफी अच्छी सफल रही कहानी सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक के समय में शुरू होती है जब नाटकीय भारतीय टीम में जर्मनी के खिलाफ हॉकी फाइनल खेला जाता था जर्मनी नो द्वारा भारतीय टीम के खिलाफ आक्रामक तरीके से खेलने की कोशिश के बावजूद भारतीय ने दूसरे हाफ में जीतना शुरू कर दिया जब टीम ने साहसिक प्रबंधक तपन दास ने उन्हें हाफ टाइम ब्रेक के दौरान भारतीय ध्वज दिखाया जब कप्तान सम्राट और टीम को स्वर्ण पदक मिलता है तो ब्रिटिश राष्ट्रीय गान बजाया जाता है और ब्रिटिश भारत का झंडा फहराया जाता है लेकिन भारतीय टीम खुद को वादा करती है कि वे अपनी मातृभूमि की ओर से एक बार फिर स्वर्ण पदक जीतेंगे और भारत की आज़ादी मिलने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के कारण अगले ओलंपिक रद्द पर कर दिया जाएगा युद्ध के बाद नशे में धुत और बिगड़ेल तपन घूमता रहता है और कई दावों में हार जाता है लेकिन जब उसे खबर मिलती कि अगला ओलंपिक सन उन्नीस में लंदन में होगा तो वह शांत हो जाता है और भारत को एक स्वतंत्र देश के रूप में हॉकी खेलने कोचिंग देने की आकांक्षा रखता है सन 1948 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में नौसिखिया हॉकी टीम के ने स्वतंत्र भारतीय के लिए पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक अर्जित किया तपन अब टीम के संयुक्त प्रबंधक के रूप में अपना पद जीतने के लिए संघर्ष कर रहा है और नई पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को लाने का वादा करता है वह मिस्टर वाडिया को समझाने में कामयाब हो जाता है और वापस अपने काम पर चला जाता है टीम का मार्गदर्शन करने के लिए वह पूर्व हॉकी कप्तान सम्राट जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं से मिलता है लेकिन सम्राट का ने मना कर दिया कि वह टीम के साथी इम्तियाज अली शाह को सुझाव दिया कि इम्तियाज सम्राट के साथ सन उन्नीस के ओलंपिक में एक महान योगदान योगदानकर्ता भारतीय राष्ट्रीय सेना के एक सैनिक थे और तपन इम्तियाज से मिलता है और वह स्वतंत्र भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने के अपने सपने को शपथ को जारी रखने का फैसला करते हैं भारत की आज़ादी निकट आने का तपन टीम के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की तलाश करने के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों की यात्रा करता है आतंक तपन ने अपना वादा निभाया और कई क्षेत्रों में खिलाड़ियों को लेकर राष्ट्रीय हॉकी टीम बनाई इनमें मध्य भारत और पंजाब प्रतिभाशाली सेंटर फॉरवर्ड की जोड़ी ठाकुर रघुवीर प्रताप सिंह और हिम्मत सिंह भी शामिल थे इस बीच भारत को आज़ादी तो मिल गई लेकिन उसका भारत और पाकिस्तान में विभाजन हो गया एक दंगे के दौरान इम्तियाज घायल हो जाता है और सब जब कुछ हिंदुओं के सिखों के उसे जिंदा जलाने की कोशिश की जाती लेकिन तपन और हिंसक हिम्मत ने उसे बचा लिया वे हॉकी क्लब में इम्तियाज के घर पहुंचते हैं लेकिन उसे निराशा होती है कि उनका घर जलकर नष्ट हो जाता है दुखी इम्तियाज ने भारत में आगे रहने से इनकार कर दिया और लाहौर के लिए रवाना हो गया दुखी तपन बताते हैं कि देश के बंटवारे के साथ ही उनके सपने और आकांक्षाएं भी टूट गई आधी टीम पाकिस्तान के लिए खेलती लेकिन जब कुछ अन्य मुख्य रूप से एंग्लो इंडियन ऑस्ट्रेलिया चले गए तपन ने इसे अपने दम पर बनाने का फैसला किया और एक छोटे बोध स्कूल के अभ्यास के लिए टीम को लाया आश्रम के प्रमुख भिक्षु आश्वत है क्योंकि वह हॉकी के और सम्राट के बहुत बड़े प्रशंसक थे सपन से ही पैसे की टीम पैसों से टीम को यहाँ लाया और उनकी पत्नी मोनोबिना दास ने उनका समर्थन करती है और उनके सपनों को साकार करने के लिए मदद करती है प्रशिक्षण शुरू हो गया लेकिन कई विदों के कारण खिलाड़ियों के बीच टीम वर्क की कमी है अपने घमंड का का कायम रखने वाला रघुवीर हमेशा कड़ी मेहनत करने वाला हिम्मत से पार करने की कोशिश करता दूसरी ओर देव देवांग चतुर्वेदी बुद्धि और वेग के साथ एक एक कुशल खिलाड़ी है तपन के साथ तपन और सम्राट अत्यंत खिलाड़ियों को एकता का पाठ पढ़ाते हैं और प्रशिक्षण समाप्त करते हैं सम्राट देवांग को कप्तान और रघुवीर के को उप कप्तान बनाता है और तपन से कहता है कि हिम्मत एक छिपा हुआ खजाना है जिसका ओलंपिक जिसका उपयोग ओलंपिक में सही समय पर किया जाएगा वाडिया हॉकी काउंसिलिंग के अध्यक्ष के रूप में मुख्य कोच बन जाते हैं और तपन को एक बार फिर टीम के सहायक प्रबंधक के रूप में सम्मानित किया जाता है इस चालू मेहता ने अपने पे के कुछ शराब पिलाकर तपन को धोखा दिया और नशे में धुत तपन हॉकी काउंसिलिंग द्वारा आयोजित पार्टी में बहुत बुरा व्यवहार करता है और उसे उसके पद से हटा दिया जाता है हालांकि उसकी जगह मेहता को नियुक्त किया जाता है टीम को अब मेहता द्वारा लंदन में ओलंपिक स्तर पर लाया गया लेकिन मेहता का सामान्य अहंकार और अभिमान खिलाड़ियों के सामने उनकी खराब छवि को सामने लाता है जब वे उसके खिलाफ शिकायत करते हैं तो श्रीवाडिया फिर से तपन को बुलाते हैं और फिर और तपन श्रीवाडिया और आस के आशीर्वाद से लंदन आते हैं और वे स्वयं न्यूयॉर्क से वहां लौटे थे ओलंपिक शुरू हो गया लेकिन हिम्मत को खेलने की अनुमति नहीं है भारत सेमीफाइनल में पहुँचने और जीतने के लिए अच्छा खेलता है लेकिन चूंकि वह खिलाड़ियों की सूची में नहीं है हिम्मत को लगता है कि वे उसे नीचा दिखाने के लिए रघुवीर की एक साजिश है एक जश्न के दौरान हिम्मत रघुवीर से लड़ने लगता है और उनके बीच झगड़ा बढ़ जाता है जिससे हिम्मत की छवि खराब हो जाती है और देवांग और रघुवीर ने हिम्मत को समझाने की कोशिश की कि यह तपन ही था जिसने खेल के लिए खिलाड़ियों की सूची का चयन किया था लेकिन सब व्यर्थ है आतंक से में फाइनल में तपन ने हिम्मत को खेलने के लिए सूचीबद्ध किया लेकिन चूंकि अन्य खिलाड़ियों ने पिछली रात उसके व्यवहार के खिलाफ शिकायत की थी इसलिए हिम्मत ने को खेलने से अनुमति नहीं है तपन इसका कारण बताते हैं कि कि लीग मैच के लीग मैच में, में प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ी अच्छे खिलाड़ी पर निशाना लगाते हैं और सेमीफाइनल या फाइनल में निशाना लगा लगाते हैं कि जिससे उनके लिए अच्छा खेलना मुश्किल हो जाए हालांकि भारत सेमीफाइनल जीतता है लेकिन यह एक कठिन मैच बन जाता है फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ अपने फैले हाफ के हिम्मत फिर से मैच बैच पर बैठा था और ग्रेट ब्रिटेन ने दो खे गोल किए आधे समय के दौरान भारतीय ड्रेसिंग रूम में तपन की मेहता के साथ हिम्मत के खेलने की आवश्यकता के बारे में ताकि तीखी बहसी और जब मेहता ने अंतिम समय में टीम बदलने के इनकार कर दिया तो तपन सभी को भारतीय ध्वज दिखाता और उन्हें बताता है कि अपने सामने के सा, अपने सपनों को साकार करते हुए देखते हैं देखने के लिए बर्लिन ओलंपिक के बाद से इसे लेकर चला गया जब रघुवीर को यह कहते हुए कि कैम कमरे से बाहर चला जाता है कि अगर वह टीम की एकता को नहीं समझेगा तो उसके लिए बहुत देर हो चुकी इसके बार बाद दूसरा हाफ शुरू होता है तो तो हिम्मत खेलते नजर आते हैं और फिर रघुवीर की मदद से गोल करते हैं हालांकि खराब मौसम की स्थिति अंग्रेजों के पक्ष में लग रही थी तपन ने जमीन पर पकड़ बनाने के लिए सभी को अपने जूते खोलने के लिए कहा हिम्मत के आखिरी मिनट में किए गए गोल ने भारत को चार तीन से मैच जिता दिया और अंत में जब कप्तान देवाग को स्वर्ण पदक मिलता है तो स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है और जन गणम गांठ गाया जाता है और गोरविंद तपन ने वंदे मातरम शब्दों के साथ कथा का, का समाप्त किया राष्ट्र क्योंकि राष्ट्रीय गान समाप्त होता है और खुशी के आंसू झलक पड़ते हैं ढालना में देखा गया तपन दास के रूप में अक्षय कुमार ने किरदार निभाया तपन की पत्नी मोनी बिना दास के रूप में मोनिरॉय ने, ने किरदार निभाया सम्राट के रूप में कुणाल कपूर ध्यानचंद के से प्रेरित किरदार निभाया रघुवीर पे रघुवीर पे, प्रताप सिंह के रूप में अमित शाह कैडी सिंह के प्रेरित किरदार निभाते हुए नजर आए इमताज अली शाह के रूप में विनीत कुमार सिंह ने किरदार निभाया हिम्मत सिंह के रूप में सनी कोसाल ने किरदार निभाया सिमरन के रूप में निकता दत्ता ने किरदार निभाया इवान रोड्रिक्स खेल अधिकारी के रूप में नजर आए सर जेम्स बेनस सन के रूप में एंड्र हेलविन ने किरदार निभाया सूर्यकांत पंत के रूप में लक्ष्य कोचर ने किरदार निभाया देवांग चतुर्वेदी के रूप में उदयवीर संधू ने किरदार निभाया तेज सिंह रंधावा के रूप में भावसी सिंह साहनी ने किरदार निभाया हारिस के रूप में अब्दुल कादिर अमीर ने किरदार निभाया, आसिम बिलाल के रूप में वे वरुण सिंह राजपूत ने किरदार निभाया बसीर अहमद के रूप में प्रवीण जयसवाल ने किरदार निभाया श्री मेहता के रूप में अतुल काले ने किरदार निभाया डेरियस श्रोफ मिस्टर वाडिया के रूप में निभाया लेगफोर्ड एडम के रूप में तेजस्वी देव चौधरी ने किरदार निभाया फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2016 में उसके मुख्य अभिनेता अक्षय कुमार ने की थी अर्जुन पुरस्कार विजेता और भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह को अभिनेताओं में को उनके हॉकी कौशल के सुधार करने के लिए प्रशिक्षण करने के लिए अनुबंधित किया गया था प्रमुख शूटिंग यार्कशायर और द मिडिल इंग्लैंड में की गई थी निर्देशक रीमा कागती ने कहा कि जो कुछ जो कुछ हुआ था उस पर यह एक काल्पनिक कहानी थी और साथ ही यह सिर्फ सन उन्नीस सौ अड़तालीस की शरण में जीत नहीं थी और हम देख रहे हैं कि बल्कि इसमें भारत के इतिहास में बारह महत्वपूर्ण एड स्पोर्ट्स फिल्म हैं जो रीमा कागती द्वारा लिखित और निर्देशित और फरहान अख्तर और रितेश सिद्धावनी द्वारा निर्मित है फिल्म में अक्षय कुमार मोनी रॉय अमित शाह कुणाल कपूर विनीत कुमार सिंह सैनी कोसाल और नितिकता दत्ता जैसे कलाकार शामिल है फिल्म का निर्देशक रीमा कागती है लेखक है पटकथा रीमा कागती संवाद राजेश देवराज का कहानी है रीमा कागती और राजेश देवराज की उत्पादित किया रितेश सिद्धावनी ने और फरहान अख्तर ने अभिनी अक्षय कुमार मोनी रॉय कुणाल कपूर अमित साध विनीत के सिंह सनी कोसवाल ने दत्ता छायांकन है अलवार अलवारो गुति रोज के संपाते संपत्ति है, है अनंत सुबाई की संगीत है गाने का स्कोर सचिन जिग्गर का है अतिरिक्त गाने तनिष्क बागची और आर के पार्व मुखर्जी के हैं। उत्पादन कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट है, है। वितरित किया एस ए ए फिल्म द्वारा रिलीज की तारीख है पंद्रह अगस्त दो कार्यक्रम एक सौ इक्यावन मिनट देश भारत और भाषा हिंदी गोल्ड एक सौ गोल्ड १९४८ में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के भारत की भारतीय हिंदी टॉप टीम की यात्रा पर आधारित है यह तपनदास पर आधारित जिसने उसी स्पर्धा के भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया था गोल्ड को भारत के स्वतंत्रता दिवस के दौरान 15 अगस्त सन 2018 को अठारह के रूप में रिलीज किया गया था और यह फिल्म काफी अच्छी सफल रही कहानी सन उन्नीस में बर्लिन ओलंपिक के समय में शुरू होती है जब नाटकीय भारतीय टीम में जर्मनी के खिलाफ हॉकी फाइनल खेला जाता था जर्मन नौ द्वारा भारतीय टीम के खिलाफ आक्रामक तरीके से खेलने की कोशिश के बावजूद भारतीय ने दूसरे हाफ में जीतना शुरू कर दिया जब टीम ने साहसक प्रबंधक तपन दास ने उन्हें हाफ टाइम ब्रेक के दौरान भारतीय ध्वज दिखाया जब कप्तान सम्राट और टीम को स्वर्ण पदक मिलता है तो ब्रिटिश राष्ट्रीय गान बजाया जाता है और ब्रिटिश भारत का झंडा फहराया जाता है लेकिन भारतीय टीम खुद को वादा करती है कि वे अपनी मातृभूमि की ओर से एक बार फिर स्वर्ण पदक जीतेंगे और भारत की आज़ादी मिलने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के कारण अगले ओलंपिक रद्द पर कर दिया जाएगा युद्ध के बाद नशे में धुत और बिगडेल तपन घूमता रहता है और कई दावों में हार जाता है लेकिन जब उसे खबर मिलती है कि अगला ओलंपिक सन 1948 में लंदन में होगा तो वह शांत हो जाता है और भारत को एक स्वतंत्र देश के रूप में हॉकी खेलने कोचिंग देने की आकांक्षा रखता है सन 1948 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में नौ सिखिया हॉकी टीम के ने स्वतंत्र भारतीय के लिए पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक अर्जित किया तपन अब टीम के संयुक्त प्रबंधक के रूप में अपना पद जीतने के लिए संघर्ष कर रहा है और नई पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को लाने का वादा करता है वह मिस्टर वाडिया को समझाने में कामयाब हो जाता है और वापस अपने काम पर चला जाता है टीम का मार्गदर्शन करने के लिए वह पूर्व हॉकी कप्तान सम्राट जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं से मिलता है लेकिन सम्राट का ने मना कर दिया कि वह टीम के साथी इम्तियाज अली शाह को सुझाव दिया कि इम्तियाज सम्राट के साथ सन उन्नीस सौ छत्तीस के ओलंपिक में एक महान योगदान योगदानकर्ता भारतीय राष्ट्रीय सेना के एक सैनिक थे और तपन इम्तियाज से मिलता है और वह स्वतंत्र भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने के अपने सपने को शपथ को जारी रखने का फैसला करते हैं भारत की आज़ादी निकट आने का तपन टीम के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की तलाश करने के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों की यात्रा करता है अत्यंत तपन ने अपना वादा निभाया और कई क्षेत्रों में खिलाड़ियों को लेकर राष्ट्रीय हॉकी टीम बनाई इनमें मध्य भारत और पंजाब प्रतिभाशाली सेंटर फोर फॉरवर्ड की जोड़ी ठाकुर रघुवीर प्रताप सिंह और हिम्मत सिंह भी शामिल थे इस बीच भारत को आज़ादी तो मिल गई लेकिन उसका भारत और पाकिस्तान में विभाजन हो गया एक दंगे के दौरान इम्तिया घायल हो जाता है और सब जब कुछ हिंदुओं के सिखों के ज, उसे जिंदा जलाने की कोशिश की जाती लेकिन तपन और हिंसक हिम्मत ने उसे बचा लिया वे हॉकी क्लब में इम्तियाज के घर पहुंचते हैं लेकिन उसे निराशा होती है कि उनका घर जलकर नष्ट हो जाता है दुखी इम्तियाज ने भारत में आगे रहने से इनकार कर दिया और लाहौर के लिए रवाना हो गया दुखी तपन तो बताते हैं कि देश के बंटवारे के साथ ही उनके सपने और आकांक्षाएं भी टूट गई आधी टीम पाकिस्तान के लिए खेलती लेकिन जब कुछ अन्य मुख्य रूप से एंग्लो इंडियन ऑस्ट्रेलिया चले गए तपन तो ने इसे अपने दम पर बनाने का फैसला किया और एक छोटे बोध स्कूल के अभ्यास के लिए टीम को लाया आश्रम के प्रमुख भिक्षु आश्वत है क्योंकि वह हॉकी के और सम्राट के बहुत बड़े प्रशंसक थे तपन से ही पैसे की टीम्स पैसों से टीम को यहाँ लाया और उनकी पत्नी मोनोबिना दास ने उनका समर्थन करती है और उनके सपनों को साकार करने के लिए मदद करती है प्रशिक्षण शुरू हो गया लेकिन कई विदों के कारण खिलाड़ियों के बीच टीम वर्क की कमी है अपने घमंड का का कायम रखने वाला रघुवीर हमेशा कड़ी मेहनत करने वाला हिम्मत से पार करने की कोशिश करता दूसरी ओर देव देवांग चतुर्वेदी बुद्धि और विवेक के साथ एक एक कुशल खिलाड़ी है तपन के साथ तपन और सम्राट खिलाड़ियों को एकता का पाठ पढ़ाते हैं और प्रशिक्षण समाप्त करते हैं सम्राट देवांग को कप्तान और रघुवीर के को उप कप्तान बनाता है और तपन से कहता है कि हिम्मत एक छिपा हुआ खजाना है जिसका ओलंपिक जिसका उपयोग ओलंपिक में सही समय पर किया जाएगा श्रीवाडिया हॉकी काउंसिलिंग के अध्यक्ष के रूप में मुख्य कोच बन जाते हैं और तपन को एक बार फिर टीम के सहायक प्रबंधक के रूप में सम्मानित किया जाता है इस सालू मेहता ने अपने पे के कुछ शराब पिलाकर तपन को धोखा दिया और नशे में धुत तपन हॉकी काउंसिलिंग द्वारा आयोजित पार्टी में बहुत बुरा व्यवहार करता है और उसे उसके पद से हटा दिया जाता है हालांकि उसकी जगह मेहता को नियुक्त किया जाता है टीम को अब मेहता द्वारा लंदन में ओलंपिक स्तर पर लाया गया लेकिन मेहता का सामान्य अहंकार और अभिमान खिलाड़ियों के सामने उनकी खराब छवि को सामने लाता है जब वे उसके खिलाफ शिकायत करते हैं तो श्रीवाडिया फिर से तपन को बुलाते हैं और फिर और तपन श्रीवाडिया और आस के आशीर्वाद से लंदन आते हैं और वे स्वयं न्यूयॉर्क से वहां लौटे थे ओलंपिक शुरू हो गया लेकिन हिम्मत को खेलने की अनुमति नहीं है भारत सेमीफाइनल में पहुँचने और जीतने के लिए अच्छा खेलता है लेकिन चूंकि वह खिलाड़ियों की सूची में नहीं है हिम्मत को लगता है कि वे उसे नीचा दिखाने के लिए रघुवीर की एक साजिश है एक जश्न के दौरान हिम्मत रघुवीर से लड़ने लगता है और उनके बीच झगड़ा बढ़ जाता है जिससे हिम्मत की छवि खराब हो जाती है और देवांग और रघुवीर ने हिम्मत को समझाने की कोशिश की कि यह तपन ही था जिसने खेल के लिए खिलाड़ियों की सूची का चयन किया था लेकिन सब व्यर्थ है आतंक से में फाइनल में तपन ने हिम्मत को खेलने के लिए सूचीबद्ध किया लेकिन चूंकि अन्य खिलाड़ियों ने पिछली रात उसके व्यवहार के खिलाफ शिकायत की थी इसलिए हिम्मत ने को खेलने से अनुमति नहीं है तपन इसका कारण बताते हैं कि कि लीग मैच के लीग में में प्रतिद्वंदी खिलाड़ी अच्छे खिलाड़ी पर निशाना लगाते हैं और सेमीफाइनल या फाइनल में निशाना लगा लगाते हैं कि जिससे उनके लिए अच्छा खेलना मुश्किल हो जाए हालांकि भारत सेमीफाइनल जीतता है लेकिन यह एक कठिन मैच बन जाता है फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ अपने फैले हाफ के हिम्मत फिर से मैच बैच पर बैठा था और ग्रेट ब्रिटेन ने दो खे गोल किए आधे समय के दौरान भारतीय ड्रेसिंग रूम में तपन की मेहता के साथ हिम्मत के खेलने की आवश्यकता के बारे में ताकी तीखी बहसी और जब मेहता ने अंतिम समय में टीम बदलने इनकार कर दिया तो तपन सभी को भारतीय ध्वज दिखाता और उन्हें बताता है कि अपने सामने के सा, अपने सपनों को साकार करते हुए देखते हैं देखने के लिए बर्लिन ओलंपिक के बाद से इसे लेकर चला गया जब रघुवीर को यह कहते हुए कि कैम कमरे से बाहर चला जाता है कि अगर वह टीम की एकता को नहीं समझेगा तो उसके लिए बहुत देर हो चुकी इसके बार बाद दूसरा हाफ शुरू होता है तो तो हिम्मत खेलते नजर आते और फिर रघुवीर की मदद से गोल करते हैं हालांकि खराब मौसम की स्थिति अंग्रेजों के पक्ष में लग रही थी तपन ने जमीन पर पकड़ बनाने के लिए सभी को अपने जूते खोलने के लिए कहा आखिरकार हिम्मत के आखिरी मिनट में किए गए गोल ने भारत को चार तीन से मैच जिता दिया और अंत में जब कप्तान देवाग को स्वर्ण पदक मिलता है तो स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है और जन गणम गांठ गाया जाता है और गौरविंद तपन ने वंदे मातरम शब्दों के साथ कथा का, का समाप्त किया राष्ट्र क्योंकि राष्ट्रीय गान समाप्त होता है और खुशी के आंसू झलक पड़ते हैं ढालना में देखा गया तपन दास के रूप में अक्षय कुमार ने किरदार निभाया तपन की पत्नी मोनी बिना दास के रूप में मोनिरोय ने किरदार निभाया सम्राट के रूप में कुणाल कपूर ध्यानचंद के से प्रेरित किरदार निभाए रघुवीर पे रघुवीर पे, प्रताप सिंह के रूप में अमित शाह कैडी सिंह के प्रेरित किरदार निभाते हुए नजर आए इमताज अली शाह के रूप में विनीत कुमार सिंह ने किरदार निभाया हिम्मत सिंह के रूप में सनी कोशाल ने किरदार निभाया सिमरन के रूप में निकता दत्ता ने किरदार निभाया इवान रोड्रिक्स खेल अधिकारी के रूप में नजर आए सर जेम्स बेनस सन के रूप में एंड्र हेलविन ने किरदार निभाया सूर्यकांत पंत के रूप में लक्ष्य कोचर ने किरदार निभाया देवांग चतुर्वेदी के रूप में उदयवीर संधू ने किरदार निभाया तेज सिंह रंधावा के रूप में भावसिल सिंह साधी साहनी ने किरदार निभाया हारिस के रूप में अब्दुल कादिर अमीर ने किरदार निभाया आसिम बिलाल के रूप में वे वरुण सिंह राजपूत ने किरदार निभाया बसीर अहमद के रूप में प्रवीण जयसवाल ने किरदार निभाया श्री मेहता के रूप में अतुल काले ने किरदार निभाया डेरियस श्रोफ मिस्टर वाड़िया के रूप में निभाया लेगफोर्ड एडम के रूप में तेजस्वी देव चौधरी ने किरदार निभाया फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2016 में उसके मुख्य अभिनेता अक्षय कुमार ने की थी। अर्जुन पुरस्कार विजेता और भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह को को अभिनेताओं में उनके हॉकी कौशल के के सुधार करने के लिए प्रशिक्षण करने के लिए अनुबंधित किया गया था प्रमुख शूटिंग यार्कशायर और द मेडलसेंड इंग्लैंड में की गई थी निर्देशक रीमा कागती ने कहा कि कुछ जो कुछ हुआ था उस पर यह एक काल्पनिक कहानी थी और साथ ही यह सिर्फ सन उन्नीस की सर में जीत नहीं थी और हम देख रहे हैं कि बल्कि इसमें भारत के इतिहास में बारह महत्वपूर्ण एड स्पोर्ट्स फिल्म हैं जो रीमा कागती द्वारा लिखित और निर्देशित और फरहान अख्तर और रितेश सिद्धावनी द्वारा निर्मित है फिल्म में अक्षय कुमार मोनी रॉय अमित शाह कुणाल कपूर विनीत कुमार सिंह सैनी कोसाल और नितिकता दत्ता जैसे कलाकार शामिल है फिल्म का निर्देशक रीमा कागती है लेखक है पटकथा रीमा कागती संवाद राजेश देवराज का कहानी है रीमा कागती और राजेश देवराज की उत्पादित किया रितेश सिद्धावनी ने और फरहान अख्तर ने अभिनी अक्षय कुमार मोनी रॉय कुणाल कपूर अमित साध विनीत के सिंह सनी कोसवाल ने दत्ता छायांकन है अलवार अलवारो गुति रोज के संपाते संपत्ति है अनंत सुबह की संगीत है गाने का स्कोर सचिन जिग्गर का है अतिरिक्त गाने तनिष्क बागची और आर के पार्व मुखर्जी के हैं। उत्पादन कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट है, है। वितरित किया एस ए ए फिल्म द्वारा रिलीज की तारीख है पंद्रह अगस्त दो हजार अट्ठारह कार्यक्रम एक सौ इक्यावन मिनट देश भारत और भाषा हिंदी गोल्ड एक सौ गोल्ड 1948 में अड़तालीस ग्र, में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के भारत की भारतीय हिंदी टॉप टीम की यात्रा पर आधारित है यह तपनदास पर आधारित जिसने उसी स्पर्धा के भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया था गोल्ड को भारत के स्वतंत्रता दिवस के दौरान 15 अगस्त सन 2018 को नाट के रूप में रिलीज किया गया था और यह फिल्म काफ़ी अच्छी सफल रही कहानी सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक के समय में शुरू होती है जब नाटकीय भारतीय टीम में जर्मनी के खिलाफ हॉकी फाइनल खेला जाता था जर्मनी ने नौ द्वारा भारतीय टीम के खिलाफ आक्रामक तरीके से खेलने की कोशिश के बावजूद भारतीय ने दूसरे हाफ में जीतना शुरू कर दिया जब टीम ने साहसक प्रबंधक तपन दास ने उन्हें हाफ टाइम ब्रेक के दौरान भारतीय ध्वज दिखाया जब कप्तान सम्राट और टीम को स्वर्ण पदक मिलता है तो ब्रिटिश राष्ट्रीय गान बजाया जाता है और ब्रिटिश भारत का झंडा फहराया जाता है लेकिन भारतीय टीम खुद को वादा करती है कि वे अपनी मातृभूमि की ओर से एक बार फिर स्वर्ण पदक जीतेंगे और भारत की आज़ादी मिलने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के कारण अगले ओलंपिक रद्द पर कर दिया जाएगा युद्ध के बाद नशे में धूत और बिगड़ेल तपन घूमता रहता है और कई दावों में हर जाता है लेकिन जब उसे खबर मिलती है कि अगला ओलंपिक सन 1948 में लंदन में होगा तो वह शांत हो जाता है और भारत को एक स्वतंत्र देश के रूप में हॉकी खेलने कोचिंग देने की आकांक्षा रखता है सन 1948 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में नौ सिखिया हॉकी टीम के ने स्वतंत्र भारतीय के लिए पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक अर्जित किया तपन अब टीम के संयुक्त प्रबंधक के रूप में अपना पद जीतने के लिए संघर्ष कर रहा है और नई पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को लाने का वादा करता है वह मिस्टर वाडिया को समझाने में कामयाब हो जाता है और वापस अपने काम पर चला जाता है टीम का मार्गदर्शन करने के लिए वह पूर्व हॉकी कप्तान सम्राट जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं से मिलता है लेकिन सम्राट का ने मना कर दिया कि वह टीम के साथी इम्तियाज अली शाह को सुझाव दिया कि इम्तियाज सम्राट के साथ सन के ओलंपिक में एक महान योगदान योगदानकर्ता भारतीय राष्ट्रीय सेना के एक सैनिक थे और तपन इम्तियाज से मिलता है और वह स्वतंत्र भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने के अपने सपने को शपथ को जारी रखने का फैसला करते हैं भारत की आज़ादी निकट आने का तपन टीम के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की तलाश करने के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों की यात्रा करता है तपन ने अपना वादा निभाया और कई क्षेत्रों में खिलाड़ियों को लेकर राष्ट्रीय हॉकी टीम बनाई इनमें मध्य भारत और पंजाब प्रतिभाशाली सेंटर फोर फॉरवर्ड की जोड़ी ठाकुर रघुवीर प्रताप सिंह और हिम्मत सिंह भी शामिल थे इस बीच भारत को आज़ादी तो मिल गई लेकिन उसका भारत और पाकिस्तान में विभाजन हो गया एक दंगे के दौरान इम्तियाज घायल हो जाता है और सब जब कुछ हिंदुओं के सिखों के जिन, उसे जिंदा जलाने की कोशिश की जाती लेकिन तपन और हिंसक हिम्मत ने उसे बचा लिया वे हॉकी क्लब में इम्तियाज के घर पहुंचते हैं लेकिन उसे निराशा होती है कि उनका घर जलकर नष्ट हो जाता है दुखी इम्तियाज ने भारत में आगे रहने से इनकार कर दिया और लाहौर के लिए रवाना हो गया दुखी तपन तो बताते हैं कि देश के बंटवारे के साथ ही उनके सपने और आकांक्षाएं भी टूट गई आधी टीम पाकिस्तान के लिए खेलती लेकिन जब कुछ अन्य मुख्य रूप से एंग्लो इंडियन ऑस्ट्रेलिया चले गए तपन तो ने इसे अपने दम पर बनाने का फैसला किया और एक छोटे बौद्ध स्कूल के अभ्यास के लिए टीम को लाया आश्रम के प्रमुख भिक्षु आश्वत है क्योंकि वह हॉकी के और सम्राट के बहुत बड़े प्रशंसक थे तपन से ही पैसे की टीम पैसों से टीम को यहाँ लाया और उनकी पत्नी मोनोबिना दास ने उनका समर्थन करती है और उनके सपनों को साकार करने के लिए मदद करती है प्रशिक्षण शुरू हो गया लेकिन कई विदों के कारण खिलाड़ियों के बीच टीम वर्क की कमी है अपने घमंड का का कायम रखने वाला रघुवीर हमेशा कड़ी मेहनत करने वाला हिम्मत से पार करने की कोशिश करता दूसरी ओर दे देवांग चतुर्वेदी बुद्धि और विवेक के साथ एक एक कुशल खिलाड़ी है तपन के साथ तपन और सम्राट अतं खिलाड़ियों को एकता का पाठ पढ़ाते हैं और प्रशिक्षण समाप्त करते हैं सम्राट देवांग को कप्तान और रघुवीर के को उप कप्तान बनाता है और तपन से कहता है कि हिम्मत एक छिपा हुआ खजाना है जिसका ओलंपिक जिसका उपयोग ओलंपिक में सही समय पर किया जाएगा श्रीवाडिया हॉकी काउंसिलिंग के अध्यक्ष के रूप में मुख्य कोच बन जाते हैं और तपन को एक बार फिर टीम के सहायक प्रबंधक के रूप में सम्मानित किया जाता है इस चालू मेहता ने अपने पे के कुछ शराब पिलाकर तपन को धोखा दिया और नशे में धुत तपन हॉकी काउंसिलिंग द्वारा आयोजित पार्टी में बहुत बुरा व्यवहार करता है और उसे उसके पद से हटा दिया जाता है हालांकि उसकी जगह मेहता को नियुक्त किया जाता है टीम को अब मेहता द्वारा लंदन में ओलंपिक स्तर पर लाया गया लेकिन मेहता का सामान्य अहंकार और अभिमान खिलाड़ियों के सामने उनकी खराब छवि को सामने लाता है जब वे उसके खिलाफ शिकायत करते हैं तो श्रीवाडिया फिर से तपन को बुलाते हैं और फिर और तपन श्रीवाडिया और आस के आशीर्वाद से लंदन आते हैं और वे स्वयं न्यूयॉर्क से वहां लौटे थे ओलंपिक शुरू हो गया लेकिन हिम्मत को खेलने की अनुमति नहीं है भारत सेमीफाइनल में पहुंचने और जीतने के लिए अच्छा खेलता है लेकिन चूँकि वह खिलाड़ियों की सूची में नहीं है हिम्मत को लगता है कि वे उसे नीचा दिखाने के लिए रघुवीर की एक साजिश है एक जश्न के दौरान हिम्मत रघुवीर से लड़ने लगता है और उनके बीच झगड़ा बढ़ जाता है जिससे हिम्मत की छवि खराब हो जाती है और देवांग और रघुवीर ने हिम्मत को समझाने की कोशिश की कि यह तपन ही था जिसने खेल के लिए खिलाड़ियों की सूची का चयन किया था लेकिन सब व्यर्थ है आतंक से फाइनल में, में तपन ने हिम्मत को खेलने के लिए सूचीबद्ध किया लेकिन चूंकि अन्य खिलाड़ियों ने पिछली रात उसके व्यवहार के खिलाफ शिकायत की थी इसलिए हिम्मत ने को खेलने से अनुमति नहीं है तपन इसका कारण बताते हैं कि कि लीग मैच के लीग में, में प्रतिद्वन्ती खिलाड़ी अच्छे खिलाड़ी पर निशाना लगाते हैं और सेमीफाइनल या फाइनल में निशाना लगाते हैं लगाते हैं कि जिससे उनके लिए अच्छा खेलना मुश्किल हो जाए हालांकि भारत सेमीफाइनल जीतता है लेकिन यह एक कठिन मैच बन जाता है फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ अपने फैले हाफ के हिम्मत फिर से मैच बैच पर बैठा था और ग्रेट ब्रिटेन ने दो खे गोल किए आधे समय के दौरान भारतीय ड्रेसिंग रूम में तपन की मेहता के साथ हिम्मत के खेलने की आवश्यकता के बारे में ताकि तीखी भैसी और जब मेहता ने अंतिम समय में टीम बदलने के इनकार कर दिया तो तपन सभी को भारतीय ध्वज दिखाता और उन्हें बताता है कि अपने सामने के सा अपने सपनों को साकार करते हुए देखते हैं देखने के लिए बर्लिन ओलंपिक के बाद से इसे लेकर चला गया जब रघुवीर को यह कहते हुए कि कैम कमरे से बाहर चला जाता है कि अगर वह टीम की एकता को नहीं समझेगा तो उसके लिए बहुत देर हो चुकी इसके बाद दूसरा हाफ शुरू होता है तो तो हिम्मत खेलते नजर आते हैं और फिर रघुबीर की मदद से गोल करते हैं हालांकि खराब मौसम की स्थिति अंग्रेजों के पक्ष में लग रही थी तपन ने जमीन पर पकड़ बनाने के लिए सभी को अपने जूते खोलने के लिए कहा आखिरकार हिम्मत के आखिरी मिनट में किए गए गोल ने भारत को चार तीन से मैच जिता दिया और अंत में जब कप्तान देवाग को स्वर्ण पदक मिलता है तो स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है और गण गान गाया जाता है और गोर विन तपने ने वंदे मातरम शब्दों के साथ कथा का, का समाप्त किया राष्ट्र क्योंकि राष्ट्रीय गान समाप्त होता है और खुशी के आंसू झलक पड़ते हैं ढालना में देखा गया तपन दास के रूप में अक्षय कुमार ने किरदार निभाया तपन की पत्नी मोनी बिना दास के रूप में मोनिरोय ने किरदार निभाया सम्राट के रूप में कुणाल कपूर ध्यानचंद कैसे प्रेरित किरदार निभाए रघुवीर पे रघुवीर पे प्रताप सिंह के रूप में अमित शाह कैडी सिंह के प्रेरित किरदार निभाते हुए नजर आए इमताज अली शाह के रूप में विनीत कुमार सिंह ने किरदार निभाया हिम्मत सिंह के रूप में।, में सनी कोशाल ने किरदार निभाया सिमरन के रूप में निकता दत्ता ने किरदार निभाया इवान रोड्रिक्स खेल अधिकारी के रूप में नजर आए सर जेम्स बेनस सन के रूप में एंड्र हेलविन ने किरदार निभाया सूर्यकांत पंत के रूप में लक्ष्य कोचर ने किरदार निभाया देवांग चतुर्वेदी के रूप में उदयवीर संधु ने किरदार निभाया तेज सिंह रंधावा के रूप में भावशील सिंह साधी साहनी ने किरदार निभाया हारिस के रूप में अब्दुल कादिर अमीर ने किरदार निभाया आसिम बिलाल के रूप में वे वरुण सिंह राजपूत ने किरदार निभाया बसीर अहमद के रूप में प्रवीण जयसवाल ने किरदार निभाया श्री मेहता के रूप में अतुल काले ने किरदार निभाया डेरियस श्रोफ मिस्टर वाड़िया के रूप में निभाए लेगफोर्ड एडम के रूप में तेजस्वी देव चौधरी ने किरदार निभाया फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2016 में उसके मुख्य अभिनेता अक्षय की थी। अर्जुन पुरस्कार विजेता और भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह को अभिनेताओं को उनके हॉकी कौशल के सुधार करने के लिए प्रशिक्षण करने के लिए अनुबंधित किया गया था प्रमुख शूटिंग यार्कशायर और द मेडलसेंट इंग्लैंड में की गई थी निर्देशक रीमा कागती ने कहा कि कुछ जो कुछ हुआ था उस पर यह एक काल्पनिक कहानी थी और साथ ही यह सिर्फ सन उन्नीस सौ अड़तालीस की शरण में जीत नहीं थी और हम देख रहे हैं कि बल्कि इसमें भारत के इतिहास में बारह महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स फिल्म हैं जो रीमा कागती द्वारा लिखित और निर्देशित और फरहान अख्तर और रितेश सिद्धावनी द्वारा निर्मित है फिल्म में अक्षय कुमार मोनी रॉय अमित शाह कुणाल कपूर विनीत कुमार सिंह सैनी कोसल और नितिकता दत्ता जैसे कलाकार शामिल है फिल्म का निर्देशक रीमा कागती है लेखक है पटकथा रीमा कागती संवाद राजेश देवराज का कहानी है रीमा कागती और राजेश देवराज की उत्पादित किया रितेश सिद्धावनी ने और फरहान अख्तर ने अभिनी अक्षय कुमार मोनी रॉय कुणाल कपूर अमित शाद विनीत के सिंह सनी कोसवाल ने किता दत्ता छायांकन है अलवार अलवारों गुति रोज के संपाते संपत्ति है, है अनंत सुबाई की संगीत है गाने का स्कोर सचिन सिंह जिग्गर का है अतिरिक्त गाने तनिष्क बागची और आर के पार्व मुखर्जी के उत्पादन कंपनी एल एक्सेल एंटरटेनमेंट है, है वितरित किया एस ए ए फिल्म द्वारा रिलीज की तारीख है पंद्रह अगस्त दो हजार कार्यक्रम एक सौ इक्यावन मिनट देश भारत और भाषा हिंदी गोल्ड एक सौ गोल्ड उन्नीस सौ अड़तालीस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के भारत की भारतीय हिंदी टॉप टीम की यात्रा पर आधारित है यह दास पर आधारित जिसने उसी स्पर्धा के भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया था गोल्ड को भारत के स्वतंत्रता दिवस के दौरान 15 अगस्त सन 2018 को नाटक रूप में रिलीज किया गया था और यह फिल्म काफी अच्छी सफल रही कहानी सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक के समय में शुरू होती है जब नाटकीय भारतीय टीम में जर्मनी के खिलाफ हॉकी फाइनल खेला जाता था जर्मनी नौ द्वारा भारतीय टीम के खिलाफ आक्रामक तरीके से खेलने की कोशिश के बावजूद भारतीय ने दूसरे हाफ में जीतना शुरू कर दिया जब टीम ने साहसिक प्रबंधक तपन दास ने उन्हें हाफ टाइम ब्रेक के दौरान भारतीय ध्वज दिखाया जब कप्तान सम्राट और टीम को स्वर्ण पदक मिलता है तो ब्रिटिश राष्ट्रीय गान बजाया जाता है और ब्रिटिश भारत का झंडा फहराया जाता है लेकिन भारतीय टीम खुद को वादा करती है कि वे अपनी मातृभूमि की ओर से एक बार फिर स्वर्ण पदक जीतेंगे और भारत की आज़ादी मिलने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के कारण अगले ओलंपिक रद्द पर कर दिया जाएगा युद्ध के बाद नशे में धूत और बिगड़ैल तपन घूमता रहता है और कई दावों में हार जाता है लेकिन जब उसे खबर मिलती है कि अगला ओलंपिक सन उन्नीस में लंदन में होगा तो वह शांत हो जाता है और भारत को एक स्वतंत्र देश के रूप में हॉकी खेलने कोचिंग देने की आकांक्षा रखता है सन 1948 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में नौसिखिया हॉकी टीम के ने स्वतंत्र भारतीय के लिए पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक अर्जित किया तपन अब टीम के संयुक्त प्रबंधक के रूप में अपना पद जीतने के लिए संघर्ष कर रहा है और नई पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को लाने का वादा करता है वह मिस्टर वाडिया को समझाने में कामयाब हो जाता है और वापस अपने काम पर चला जाता है टीम का मार्गदर्शन करने के लिए वह पूर्व हॉकी कप्तान सम्राट जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं से मिलता है लेकिन सम्राट का ने मना कर दिया कि वह टीम के साथ ही इम्तियाज अली शाह को सुझाव दिया कि इम्तियाज सम्राट के साथ सन उन्नीस सौ छत्तीस के ओलंपिक में एक महान योगदान योगदानकर्ता भारतीय राष्ट्रीय सेना के एक सैनिक थे और तपन इम्तियाज से मिलता है और वह स्वतंत्र भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने के अपने सपने को शपथ को जारी रखने का फैसला करते हैं भारत की आज़ादी निकट आने का तपन टीम के लिए सबसे खिलाड़ियों की तलाश करने के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों की यात्रा करता है तपन ने अपना वादा निभाया और कई क्षेत्रों में खिलाड़ियों को लेकर राष्ट्रीय हॉकी टीम बनाई इनमें मध्य भारत और पंजाब प्रतिभाशाली सेंटर फॉर फॉरवर्ड की जोड़ी ठाकुर रघुवीर प्रताप सिंह और हिम्मत सिंह भी शामिल थे इस बीच भारत को आज़ादी तो मिल गई लेकिन उसका भारत और पाकिस्तान में विभाजन हो गया एक दंगे के दौरान इम्तियाज घायल हो जाता है और सब जब कुछ हिंदुओं के सिखों के उसे जिंदा जलाने की कोशिश की जाती लेकिन तपन और हिंसक हिम्मत ने उसे बचा लिया वे हॉकी क्लब में इम्तियाज के घर पहुंचते हैं लेकिन उसे निराशा निराशा होती है कि उनका घर जलकर नष्ट हो जाता है दुखी इम्तियाज ने भारत में आगे रहने से इंकार कर दिया और लाहौर के लिए रवाना हो गया दुखी तपन बताते हैं कि देश के बंटवारे के साथ ही उनके सपने और आकांक्षाएं भी टूट गई आधी टीम पाकिस्तान के लिए खेलती लेकिन जब कुछ अन्य मुख्य रूप से एंग्लो इंडियन ऑस्ट्रेलिया चले गए तपन ने इसे अपने दम पर बनाने का फैसला किया और एक छोटे बोध स्कूल के अभ्यास के लिए टीम को लाया आश्रम के प्रमुख आश्वत है क्योंकि वह हॉकी के और सम्राट के बहुत बड़े प्रशंसक थे तपन से ही पैसे की टीम पैसों से टीम को यहाँ लाया और उनकी पत्नी मोनोबिना दास ने उनका समर्थन करती है और उनके सपनों को साकार करने के लिए मदद करती है प्रशिक्षण शुरू हो गया लेकिन कई विदों के कारण खिलाड़ियों के बीच टीम वर्क की कमी है अपने घमंड का, का कायम रखने वाला रघुवीर हमेशा कड़ी मेहनत करने वाला हिम्मत से पार करने की कोशिश करता दूसरी ओर दे, देवांग चतुर्वेदी बुद्धि और विवेक के साथ एक एक कुशल खिलाड़ी है तपन के साथ तपन और सम्राट अतंत खिलाड़ियों को एकता का पाठ पढ़ाते हैं और प्रशिक्षण समाप्त करते हैं सम्राट देवांग को कप्तान और रघुवीर के को उप कप्तान बनाता है और तपन से कहता है कि हिम्मत एक छिपा हुआ खजाना है जिसका ओलंपिक जिसका उपयोग ओलंपिक में सही समय पर किया जाएगा श्रीवाडिया वाडिया हॉकी काउंसलिंग के अध्यक्ष के रूप में मुख्य कोच बन जाते हैं और तपन को एक बार फिर टीम के सहायक प्रबंधक के रूप में सम्मानित किया जाता है इस चालू मेहता ने अपने पे के कुछ शराब पिलाकर तपन को धोखा दिया और नशे में धुत तपन हॉकी काउंसलिंग द्वारा आयोजित पार्टी में बहुत बुरा व्यवहार करता है और उसे उसके पद से हटा दिया जाता है हालांकि उसकी जगह मेहता को नियुक्त किया जाता है टीम को अब मेहता द्वारा लंदन में ओलंपिक स्तर पर लाया गया लेकिन मेहता का सामान्य अहंकार और अभिमान खिलाड़ियों के सामने उनकी खराब छवि को सामने लाता है जब वे उसके खिलाफ शिकायत करते हैं तो श्रीवाड़िया फिर से तपन को बुलाते हैं और फिर और तपन श्रीवाडिया और के आशीर्वाद से लंदन आते हैं और वे स्वयं न्यूयॉर्क से वहाँ लौटते थे ओलंपिक शुरू हो गया लेकिन हिम्मत को खेलने की अनुमति नहीं है भारत सेमीफाइनल में पहुँचने और जीतने के लिए अच्छा खेलता है लेकिन चूंकि वह खिलाड़ियों की सूची में नहीं है हिम्मत को लगता है कि वे उसे नीचा दिखाने के लिए रघुवीर की एक साजिश है एक जश्न के दौरान हिम्मत रघुवीर से लड़ने लगता है और उनके बीच झगड़ा बढ़ जाता है जिससे हिम्मत की छवि खराब हो जाती है और देवांग और रघुवीर ने हिम्मत को समझाने की कोशिश की कि यह तपन ही था जिसने खेल के लिए खिलाड़ियों की सूची का चयन किया था लेकिन सब व्यर्थ है आतंक से में फाइनल में तपन ने हिम्मत को खेलने के लिए सूचीबद्ध किया लेकिन चूंकि अन्य खिलाड़ियों ने पिछली रात उसके व्यवहार के खिलाफ शिकायत की थी इसलिए हिम्मत ने को खेलने से अनुमति नहीं है तपन इसका कारण बताते हैं कि कि लीग मैच के लीग में, में प्रतिद्वन्ती खिलाड़ी अच्छे खिलाड़ी पर निशाना लगाते हैं और सेमीफाइनल या फाइनल में निशाना लगा, लगाते हैं लगाते हैं कि जिससे उनके लिए अच्छा खेलना मुश्किल हो जाए हालांकि भारत सेमीफाइनल जीतता है लेकिन यह एक कठिन मैच बन जाता है फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ अपने फैले हाफ की हिम्मत फिर से मैच बैच पर बैठा था और ग्रेट ब्रिटेन ने दो खे गोल किए आधे समय के दौरान भारतीय ड्रेसिंग रूम में तपन की मेहता के साथ हिम्मत के खेलने की आवश्यकता के बारे में ताकी तीखी बहसी और जब मेहता ने अंतिम समय में टीम बदलने के इनकार कर दिया तो तपन सभी को भारतीय ध्वज दिखाता और उन्हें बताता है कि अपने सामने के सा, अपने सपनों को साकार करते हुए देखते हैं देखने के लिए बर्लिन ओलंपिक के बाद से इसे लेकर चला गया जब रघुवीर को यह कहते हुए कि कैंप कमरे से बाहर चला जाता है कि अगर वह टीम की एकता को नहीं समझेगा तो उसके लिए बहुत देर हो चुकी इसके बार बाद दूसरा हाफ शुरू होता है तो तो हिम्मत खेलते नजर आते हैं और फिर रघुवीर की मदद से गोल करते हैं हालांकि खराब मौसम की स्थिति अंग्रेजों के पक्ष में लग रही थी तपन ने जमीन पर पकड़ बनाने के लिए सभी को अपने जूते खोलने के लिए कहा आखिर कार हिम्मत के आखिरी मिनट में किए गए गोल ने भारत को चार तीन से मैच जिता दिया और अंत में जब कप्तान देवाग को स्वर्ण पदक मिलता है तो स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है और जन गणमण गान गाया जाता है और गौरव तपन ने वंदे मातरम शब्दों के साथ कथा का, का समाप्त किया राष्ट्र क्योंकि राष्ट्रीय गान समाप्त होता है और खुशी के आंसू झलक पड़ते हैं ढालना में देखा गया तपन दास के रूप में अक्षय कुमार ने किरदार निभाया तपन की पत्नी मोन बीना दास के रूप में मो रोय ने किरदार निभाया सम्राट के रूप में कुणाल कपूर ध्यानचंद के से प्रेरित किरदार निभाए रघुवीर पे रघुवीर पे प्रताप सिंह के रूप में अमित शाह कैडी सिंह के प्रेरित किरदार निभाते हुए नजर आए इमताज अली शाह के रूप में विनीत कुमार सिंह ने किरदार निभाया हिम्मत सिंह के रूप में सनी कोशाल ने किरदार निभाया सिमरन के रूप में निकता दत्ता ने किरदार निभाया इवान रोड्रिक्स खेल अधिकारी के रूप में नजर आए सर जेम्स सन के रूप में हेलविन ने किदार निभाया सूर्यकांत पंत के रूप में लक्ष्य कोचर ने किरदार निभाया देवांग चतुर्वेदी के रूप में उदयवीर संधू ने किरदार निभाया तेज सिंह रंधावा के रूप में भावशील सिंह साहनी ने किरदार निभाया हारिस के रूप में अब्दुल कादिर अमीर ने किरदार निभाया आसिम बिलाल के रूप में वे वरुण सिंह राजपूत ने किरदार निभाया बसीर अहमद के रूप में प्रवीण जयसवाल ने किरदार निभाया श्री मेहता के रूप में अतुल काले ने किरदार निभाया डेरियस श्रोफ मिस्टर वाड़िया के रूप में नजर निभाया लेगफोर्ड एडम के रूप में तेजस्वी देव चौधरी ने किरदार निभाया फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2016 में उसके मुख्य अभिनेता अक्षय कुमार ने की थी अर्जुन पुरस्कार विजेता और भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह को अभिनेताओं में को उनके हॉकी कौशल के सुधार करने के लिए प्रशिक्षण करने के लिए अनुबंधित किया गया था प्रमुख शूटिंग यार्कशायर और द मिडलसेंड इंग्लैंड में की गई थी निर्देशक रीमा कागती ने कहा कि कुछ जो कुछ हुआ था उस पर यह एक काल्पनिक कहानी थी और साथ ही यह सिर्फ सन उन्नीस सौ अड़तालीस की शरण में जीत नहीं थी और हम देख रहे हैं कि बल्कि इसमें भारत के इतिहास में बारह महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स फिल्म हैं जो रीमा कागती द्वारा लिखित और निर्देशित और फरहान अख्तर और रितेश सिद्धावनी द्वारा निर्मित है फिल्म में अक्षय कुमार मोनी रॉय अमित शाह कुणाल कपूर विनीत कुमार सिंह सैनी कोसल और नितिकता दत्ता जैसे कलाकार शामिल है फिल्म का निर्देशक रीमा कागती है लेखक है पटकथा रीमा कागती संवाद राजेश देवराज का कहानी है रीमा कागती और राजेश देवराज की उत्पादित किया रितेश सिद्धावनी ने और फरहान अख्तर ने अभिनीति अक्षय कुमार मोनी रॉय कुणाल कपूर अमित शाद विनीत के सिंह सनी कोसवाल ने दत्ता छायांकन है अलवार अलवारों रोज के संपत्य है संपत्ति है आनंद सुबाई की संगीत है गाने का स्कोर सचिन जिगर का है अतिरिक्त गाने तनिष्क बागची और आर के पार्व मुखर्जी के उत्पादन एक्सेल एंटरटेनमेंट है, है वितरित किया एस ए ए फिल्म द्वारा रिलीज की तारीख है पंद्रह अगस्त दो कार्यक्रम एक सौ इक्यावन मिनट देश भारत और भाषा हिंदी गोल्ड एक सौ गोल्ड उन्नीस सौ अड़तालीस में एक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के भारत की भारतीय हिंदी टोप टीम की यात्रा पर आधारित है यह तपनदास पर आधारित जिसने उसी स्पर्धा के भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया था गोल्ड को भारत के स्वतंत्रता दिवस के दौरान 15 अगस्त सन 2018 को अठारह के रूप में रिलीज किया गया था और यह फिल्म काफ़ी अच्छी सफल रही कहानी सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक के समय में शुरू होती है जब नाटकीय भारतीय टीम में जर्मनी के खिलाफ हॉकी फाइनल खेला जाता था नौ द्वारा भारतीय टीम के खिलाफ आक्रामक तरीके से खेलने की कोशिश के बावजूद भारतीय ने दूसरे हाफ में जीतना शुरू कर दिया जब टीम ने साहसक प्रबंधक तपन दास ने उन्हें हाफ टाइम ब्रेक के दौरान भारतीय ध्वज दिखाया जब कप्तान सम्राट और टीम को स्वर्ण पदक मिलता है तो ब्रिटिश राष्ट्रीय गान बजाया जाता है और ब्रिटिश भारत का झंडा फहराया जाता है लेकिन भारतीय टीम खुद को वादा करती है कि वे अपनी मातृभूमि की ओर से एक बार फिर स्वर्ण पदक जीतेंगे और भारत की आज़ादी मिलने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के कारण अगले ओलंपिक रद्द पर कर दिया जाएगा युद्ध के बाद नशे में धुत और बिगड़ेल तपन घूमता रहता है और कई दावों में हर जाता है लेकिन जब उसे खबर मिलती है कि अगला ओलंपिक सन उन्नीस में लंदन में होगा तो वह शांत हो जाता है और भारत को एक स्वतंत्र देश के रूप में हॉकी खेलने कोचिंग देने की आकांक्षा रखता है सन 1948 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में नौसिखिया हॉकी टीम ने स्वतंत्र भारतीय के लिए पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक अर्जित किया तपन अब टीम के संयुक्त प्रबंधक के रूप में अपना पद जीतने के लिए संघर्ष कर रहा है और नई पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को लाने का वादा करता है वह मिस्टर वाडिया को समझाने में कामयाब हो जाता है और वापस अपने काम पर चला जाता है टीम का मार्गदर्शन करने के लिए वह पूर्व हॉकी कप्तान सम्राट जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं से मिलता है लेकिन सम्राट का ने मना कर दिया कि वह टीम के साथी इम्तियाज अली शाह सुझाव दिया कि इम्तियाज सम्राट के साथ सन उन्नीस के ओलंपिक में एक महान योगदान योगदानकर्ता भारतीय राष्ट्रीय सेना के एक सैनिक थे और तपन इम्तियाज से मिलता है और वह स्वतंत्र भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने के अपने सपने को शपथ को जारी रखने का फैसला करते हैं भारत की आजादी निकट आने का तपन टीम के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की तलाश करने के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों की यात्रा करता है आतंक तपन ने अपना वादा निभाया और कई क्षेत्रों में खिलाड़ियों को लेकर राष्ट्रीय हॉकी टीम बनाई इनमें मध्य भारत और पंजाब प्रतिभाशाली सेंटर फॉर फॉरवर्ड की जोड़ी ठाकुर रघुबीर प्रताप सिंह और हिम्मत सिंह भी शामिल थे इस बीच भारत को आज़ादी तो मिल गई लेकिन उसका भारत और पाकिस्तान में विभाजन हो गया एक दंगे के दौरान इम्तियाज घायल हो जाता है और सब जब कुछ हिंदुओं के सिखों के जिन, उसे जिंदा जलाने की कोशिश की जाती लेकिन तपन और हिंसक हिम्मत ने उसे बचा लिया वे हॉकी क्लब में इम्तियाज के घर पहुंचते हैं लेकिन उसे निराशा होती है कि उनका घर जलकर नष्ट हो जाता है दुखी इम्तियाज ने भारत में आगे रहने से इनकार कर दिया और लाहौर के लिए रवाना हो गया दुखी तपन बताते हैं कि देश के बंटवारे के साथ ही उनके सपने और आकांक्षाएं भी टूट गई आधी टीम पाकिस्तान के लिए खेलती लेकिन जब कुछ अन्य मुख्य रूप से एंग्लो इंडियन ऑस्ट्रेलिया चले गए तपन ने इसे अपने दम पर बनाने का फैसला किया और एक छोटे बौद्ध स्कूल के अभ्यास के लिए टीम को लाया आश्रम के प्रमुख भिक्षु आश्वत है क्योंकि वह हॉकी के और सम्राट के बहुत बड़े प्रशंसक थे सपन से ही पैसे की टीम्स पैसों से टीम को यहाँ लाया और उनकी पत्नी मोनोबिना दास ने उनका समर्थन करती है और उनके सपनों को साकार करने के लिए मदद करती है प्रशिक्षण शुरू हो गया लेकिन कई विदों के कारण खिलाड़ियों के बीच टीम वर्क की कमी है अपने घमंड का का कायम रखने वाला रघुवीर हमेशा कड़ी मेहनत करने वाला हिम्मत से पार करने की कोशिश करता दूसरी ओर देव देवांग चतुर्वेदी बुद्धि और वेग के साथ एक एक कुशल खिलाड़ी है तपन के साथ तपन और सम्राट अत्यंत खिलाड़ियों को एकता का पाठ पढ़ाते हैं और प्रशिक्षण समाप्त करते हैं सम्राट देवांग को कप्तान और रघुवीर के को उप कप्तान बनाता है और तपन से कहता है कि हिम्मत एक छिपा हुआ खजाना है जिसका ओलंपिक जिसका उपयोग ओलंपिक में सही समय पर किया जाएगा सिरी वाडिया हॉकी काउंसिलिंग के अध्यक्ष के रूप में मुख्य कोच बन जाते हैं और तपन को एक बार फिर टीम के सहायक प्रबंधक के रूप में सम्मानित किया जाता है इस शालू मेहता ने अपने पे के कुछ शराब पिलाकर तपन को धोखा दिया और नशे में धुत तपन हॉकी काउंसिलिंग द्वारा आयोजित पार्टी में बहुत बुरा व्यवहार करता है और उसे उसके पद से हटा दिया जाता है हालांकि उसकी जगह मेहता को नियुक्त किया जाता है टीम को अब मेहता द्वारा लंदन में ओलंपिक स्तर पर लाया गया लेकिन मेहता का सामान्य अहंकार और अभि अभिमान खिलाड़ियों के सामने उनकी खराब छवि को सामने लाता है जब वे उसके खिलाफ शिकायत करते हैं तो श्रीवाडिया फिर से तपन को बुलाते हैं और फिर और तपन श्रीवाडिया और आस के आशीर्वाद से लंदन आते हैं और वे स्वयं न्यूयॉर्क से वहां लौटे थे ओलंपिक शुरू हो गया लेकिन हिम्मत को खेलने की अनुमति नहीं है भारत सेमीफाइनल में पहुँचने और जीतने के लिए अच्छा खेलता है लेकिन चूँकि वह खिलाड़ियों की सूची में नहीं है हिम्मत को लगता है कि वे उसे नीचा दिखाने के लिए रघुवीर की एक साजिश है एक जश्न के दौरान हिम्मत रघुवीर से लड़ने लगता है और उनके बीच झगड़ा बढ़ जाता है जिससे हिम्मत की छवि खराब हो जाती है और देवांग और रघुवीर ने हिम्मत को समझाने की कोशिश की कि यह तपन ही था जिसने खेल के लिए खिलाड़ियों की सूची का चयन किया था लेकिन सब व्यर्थ है आतंक से फाइनल में, में तपन ने हिम्मत को खेलने के लिए सूचीबद्ध किया लेकिन चूंकि अन्य खिलाड़ियों ने पिछली रात उसके व्यवहार के खिलाफ शिकायत की थी इसलिए हिम्मत ने को खेलने से अनुमति नहीं है तपन इसका कारण बताते हैं कि कि लीग मैच के लीग में में प्रतिद्वंदी खिलाड़ी अच्छे खिलाड़ी पर निशाना लगाते हैं और सेमीफाइनल या फाइनल में निशाना लगाते हैं लगाते हैं कि जिससे उनके लिए अच्छा खेलना मुश्किल हो जाए हालांकि भारत सेमीफाइनल जीतता है लेकिन यह एक कठिन मैच बन जाता है फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ अपने हाफ के हिम्मत फिर से मैच बैच पर बैठा था और ग्रेट ब्रिटेन ने दो खे गोल किए आधे समय के दौरान भारतीय ड्रेसिंग रूम में तपन की मेहता के साथ हिम्मत के खेलने की आवश्यकता के बारे में ताकि लिखी बहसी और जब मेहता ने अंतिम समय में टीम बदलने के इनकार कर दिया तो तपन सभी को भारतीय दवा दिखाता और उन्हें बताता है कि अपने सामने के सा, अपने सपनों को साकार करते हुए देखते हैं देखने के लिए बर्लिन ओलंपिक के बाद से इसे लेकर चला गया जब रघुवीर को यह कहते हुए कि कैम कमरे से बाहर चला जाता है कि अगर वह टीम की एकता को नहीं समझेगा तो उसके लिए बहुत देर हो चुकी इसके बार बाद दूसरा हाफ शुरू होता है तो तो हिम्मत खेलते नजर आते हैं और फिर रघुवीर की मदद से गोल करते हैं हालांकि खराब मौसम की स्थिति अंग्रेजों के पक्ष में लग रही थी तपन ने जमीन पर पकड़ बनाने के लिए सभी को अपने जूते खोलने के लिए कहा आखिरकार हिम्मत के आखिरी मिनट में किए गए गोल ने भारत को चार तीन से मैच जिता दिया और अंत में जब कप्तान देवाग को स्वर्ण पदक मिलता है तो स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है और जन, गान गाया जाता है और गोर विन तपने ने वंदे मातरम शब्दों के साथ कथा का, का समाप्त किया राष्ट्र क्योंकि राष्ट्रीय गान समाप्त होता है और खुशी के आंसू झलक पड़ते हैं ढालना में देखा गया तपन दास के रूप में अक्षय कुमार ने किरदार निभाया तपन की पत्नी मोनी बीना दास के रूप में मोनिरोय ने किरदार निभाया सम्राट के रूप में कुणाल कपूर ध्यानचंद के से प्रेरित किरदार निभाए रघुवीर पे रघुवीर पे प्रताप सिंह के रूप में अमित शाह साध कैडी सिंह के प्रेरित किरदार निभाते हुए नजर आए इमताज अली शाह के रूप में विनित कुमार सिंह ने किरदार निभाया हिम्मत सिंह के रूप में।, में सनी कोशाल ने किरदार निभाया सिमरन के रूप में निकता दत्ता ने किरदार निभाया इवान रोड्रिक्स खेल अधिकारी के रूप में नजर आए सर जेम्स बेनस सन के रूप में एंड्र हेलविन ने किरदार निभाया सूर्यकांत पंत के रूप में लक्ष्य कोचर ने किरदार निभाया देवांग चतुर्वेदी के रूप में उदयवीर संधू ने किरदार निभाया तेज सिंह रंधावा के रूप में भावशील सिंह साहनी ने किरदार निभाया हारिस के रूप में अब्दुल कादिर अमीर ने किरदार निभाया आसिम बिलाल के रूप में वे वरुण सिंह राजपूत ने किरदार निभाया बसीर अहमद के रूप में प्रवीण जयसवाल ने किरदार निभाया श्री मेहता के रूप में अतुल काले ने किरदार निभाया डेरियस श्रोफ मिस्टर बाडिया के रूप में नजर आए लेगफोर्ड एडम के रूप में तेजस्वी देव चौधरी ने किरदार निभाया फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर २०१६ में उसके मुख्य अभिनेता अक्षय कुमार ने की थी अर्जुन पुरस्कार विजेता और भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह को अभिनेताओं को उनके हॉकी कौशल के सुधार करने के लिए प्रशिक्षण करने के लिए अनुबंधित किया गया था प्रमुख शूटिंग यार्कसायर और द मेडलसेंट इंग्लैंड में की गई थी निर्देशक रीमा कागती ने कहा कि ज, कुछ जो कुछ हुआ था उस पर यह एक काल्पनिक कहानी थी और साथ ही यह सिर्फ सन उन्नीस की शरण में, में जीत नहीं थी और हम देख रहे हैं कि बल्कि इसमें भारत के इतिहास में बारह महत्वपूर्ण पीरियड स्पोर्ट्स फिल्म हैं जो रीमा कागती द्वारा लिखित और निर्देशित और फरहान अख्तर और रितेश सिद्धावनी द्वारा निर्मित है फिल्म में अक्षय कुमार मोनी रॉय अमित शाह कुणाल कपूर विनीत कुमार सिंह सैनी कोसल और नितिकता दत्ता जैसे कलाकार शामिल है फिल्म का निर्देशक रीमा कागती है लेखक है पटकथा रीमा कागती संवाद राजेश देवराज का कहानी है रीमा कागती और राजेश देवराज की उत्पादित किया रितेश सिद्धावनी ने और फरहान अख्तर ने अभिनीति अक्षय कुमार मोनी रॉय कुणाल कपूर अमित शाद विनीत के सिंह सनी कोसवाल ने दत्ता छायांकन है अलवार अलवारो रोज के संपा संपत्ति है आनंद सुबाई की संगीत है गाने का स्कोर सचिन जिगर का है अतिरिक्त गाने तनिष्क बागची और आर के पार्व मुखर्जी के उत्पादन कंपनी एल एक्सेल एंटरटेनमेंट है, है वितरित किया एस ए ए फिल्म द्वारा रिलीज की तारीख है पंद्रह अगस्त दो हजार कार्यक्रम एक सौ इक्यावन मिनट देश भारत और भाषा हिंदी गोल्ड एक सौ गोल्ड उन्नीस सौ अड़तालीस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के भारत की भारतीय हिंदी टॉप टीम की यात्रा पर आधारित है यह तपन दास पर आधारित जिसने उसी स्पर्धा के भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया था गोल्ड को भारत के स्वतंत्रता दिवस के दौरान 15 अगस्त सन 2018 को अठारह के रूप में रिलीज किया गया था और यह फिल्म काफ़ी अच्छी सफल रही कहानी सन उन्नीस में बर्लिन ओलंपिक के समय में शुरू होती है जब नाटकीय भारतीय टीम में जर्मनी के खिलाफ हॉकी फाइनल खेला जाता था जर्मनी द्वारा भारतीय टीम के खिलाफ आक्रामक तरीके से खेलने की कोशिश के बावजूद भारतीय ने दूसरे हाफ में जीतना शुरू कर दिया जब टीम ने सहसक ने प्रबंधक तपन दास उन्हें हाफ टाइम ब्रेक के दौरान भारतीय ध्वज दिखाया जब कप्तान सम्राट और टीम को स्वर्ण पदक मिलता है तो ब्रिटिश राष्ट्रीय गान बजाया जाता है और ब्रिटिश भारत का झंडा फहराया जाता है लेकिन भारतीय टीम खुद को वादा करती है कि वे अपनी मातृभूमि की ओर से एक बार फिर स्वर्ण पदक जीतेंगे और भारत की आजादी मिलने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के कारण अगले ओलंपिक रद्द पर कर दिया जाएगा युद्ध के बाद नशे में धुत्त और बिगडैल तपन घूमता रहता है और कई दावों में हार जाता है लेकिन जब उसे खबर मिलती है कि अगला ओलंपिक सन 1948 में लंदन में होगा तो वह शांत हो जाता है और भारत को एक स्वतंत्र देश के रूप में हॉकी खेलने कोचिंग देने की आकांक्षा रखता है सन 1948 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में हॉकी टीम के ने स्वतंत्र भारतीय के लिए पहला ओलंपिक पदक अर्जित किया तपन अब टीम के संयुक्त प्रबंधक के रूप में अपना पद जीतने के लिए संघर्ष कर रहा है और नई पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को लाने का वादा करता है वह मिस्टर वाडिया को समझाने में कामयाब हो जाता है और वापस अपने काम पर चला जाता है टीम का मार्गदर्शन करने के लिए वे पूर्व हॉकी कप्तान सम्राट जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं से मिलता है लेकिन सम्राट का ने मना कर दिया कि वे टीम के साथी इम्तियाज अली शाह को सुझाव दिया कि इम्तियाज सम्राट के साथ सन 1936 के ओलंपिक में एक महान योगदान योगदानकर्ता भारतीय राष्ट्रीय सेना के सैनिक थे और तपन इम्तियाज से मिलता है और वह स्वतंत्र भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने के अपने सपने को सफत को जारी रखने का फैसला करते हैं भारत की आज़ादी निकट आने का तपन टीम के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की तलाश करने के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों की यात्रा करता है तपन ने अपना वादा निभाया और कई क्षेत्रों में खिलाड़ियों को लेकर राष्ट्रीय हॉकी टीम बनाई इनमें मध्य भारत और पंजाब प्रतिभाशाली सेंटर फॉर फॉरवर्ड की जोड़ी ठाकुर रघुवीर प्रताप सिंह और हिम्मत सिंह भी शामिल थे इस बीच भारत को आज़ादी तो मिल गई लेकिन उसका भारत और पाकिस्तान में विभाजन हो गया एक दंगे के दौरान इम्तियाज घायल हो जाता है और सब जब कुछ हिंदुओं के सिखों के उसे जिंदा जलाने की कोशिश की जाती लेकिन तपन और हिंसक हिम्मत ने उसे बचा लिया वे हॉकी क्लब में इम्तियाज के घर पहुंचते हैं लेकिन उसे निराशा होती है कि उनका घर जलकर नष्ट हो जाता है दुखी इम्तियाज ने भारत में आगे रहने से इनकार कर दिया और लाहौर के लिए रवाना हो गया दुखी तपन बताते हैं कि देश के बंटवारे के साथ ही उनके सपने और आकांक्षाएं भी टूट गई आधी टीम पाकिस्तान के लिए खेलती लेकिन जब कुछ अन्य मुख्य रूप से एंग्लो इंडियन ऑस्ट्रेलिया चले गए तपन ने इसे अपने दम पर बनाने का फैसला किया और एक छोटे स्कूल के अभ्यास के लिए टीम को लाया आश्रम के प्रमुख आश्वत है क्योंकि वह के और सम्राट के बहुत बड़े प्रशंसक थे तपन से ही पैसे की टीम पैसों से टीम को यहाँ लाया और उनकी पत्नी मोनोबिना दास ने उनका समर्थन करती है और उनके सपनों को साकार करने के लिए मदद करती है प्रशिक्षण शुरू हो गया लेकिन कई विदों के कारण खिलाड़ियों के बीच टीम वर्क की कमी है अपने घमंड का का कायम रखने वाला रघुवीर हमेशा कड़ी मेहनत करने वाला हिम्मत से पार करने की कोशिश करता दूसरी ओर देव देवांग चतुर्वेदी बुद्धि और विवेक के साथ एक एक कुशल खिलाड़ी है तपन के साथ तपन और सम्राट अत्यंत खिलाड़ियों को एकता का पाठ पढ़ाते हैं और प्रशिक्षण समाप्त करते हैं सम्राट देवांग को कप्तान और रघुवीर के को उप कप्तान बनाता है और तपन से कहता है कि हिम्मत एक छिपा हुआ खजाना है जिसका ओलंपिक जिसका उपयोग ओलंपिक में सही समय पर किया जाएगा श्री वाडिया हॉकी काउंसलिंग के अध्यक्ष के रूप में मुख्य कोच बन जाते हैं और तपन को एक बार फिर टीम के सहायक प्रबंधक के रूप में सम्मानित किया जाता है ईर्षालु मेहता ने अपने पे के कुछ शराब पिलाकर तपन को धोखा दिया और नशे में धुत तपन हॉकी काउंसलिंग द्वारा आयोजित पार्टी में बहुत बुरा व्यवहार करता है और उसे उसके पद से हटा दिया जाता है हालांकि उसकी जगह मेहता को नियुक्त किया जाता है टीम को अब मेहता द्वारा लंदन में ओलंपिक स्तर पर लाया गया लेकिन मेहता का सामान्य अहंकार और अभि अभिमान खिलाड़ियों के सामने उनकी खराब छवि को सामने लाता है जब वे उसके खिलाफ शिकायत करते हैं तो श्रीवाड़िया फिर से तपन को बुलाते हैं और फिर और तपन श्रीवाडिया और के आशीर्वाद से लंदन आते हैं और वे स्वयं न्यूयॉर्क से वहाँ लौटे थे ओलंपिक शुरू हो गया लेकिन हिम्मत को खेलने की अनुमति नहीं है भारत सेमीफाइनल में पहुँचने और जीतने के लिए अच्छा खेलता है लेकिन चूंकि वह खिलाड़ियों की सूची में नहीं है हिम्मत को लगता है कि वे उसे नीचा दिखाने के लिए रघुवीर एक साजिश है एक जश्न के दौरान हिम्मत रघुवीर से लड़ने लगता है और उनके बीच झगड़ा बढ़ जाता है। हिम्मत की सूची का चयन किया था लेकिन सब व्यर्थ है आतंक से फाइनल में, में तपन ने हिम्मत को खेलने के लिए सूचीबद्ध किया लेकिन चूंकि अन्य खिलाड़ियों ने पिछली रात उसके व्यवहार के खिलाफ शिकायत की थी इसलिए हिम्मत ने को खेलने से अनुमति नहीं है तपन इसका कारण बताते हैं कि कि लीग मैच के लीग में में प्रतिद्वन्ती खिलाड़ी अच्छे खिलाड़ी पर निशाना लगाते हैं और सेमीफाइनल या फाइनल में निशाना लगाते हैं लगाते हैं कि जिससे उनके लिए अच्छा खेलना मुश्किल हो जाए हालांकि भारत सेमीफाइनल जीतता है लेकिन यह एक कठिन मैच बन जाता है फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ अपने फैले हाफ के हिम्मत फिर से मैच बैच पर बैठा था और ग्रेट ब्रिटेन ने दो खे गोल किए आधे समय के दौरान भारतीय ड्रेसिंग रूम में तपन की मेहता के साथ हिम्मत के खेलने की आवश्यकता के बारे में तीखी और जब मेहता ने अंतिम समय में टीम बदलने इनकार कर दिया तो तपन सभी को भारतीय ध्वज दिखाता और उन्हें बताता है कि अपने सामने के सा, अपने सपनों को साकार करते हुए देखने के लिए बर्लिन ओलंपिक के बाद से इसे लेकर चला गया जब रघुवीर को यह कहते हुए कि कैंप कमरे से बाहर चला जाता है कि अगर वह टीम की एकता को नहीं समझेगा तो उसके लिए बहुत देर हो चुकी इसके बार बाद दूसरा हाफ शुरू होता है तो तो हिम्मत खेलते नजर आते और फिर रघुवीर की मदद से गोल करते हैं हालांकि खराब मौसम की स्थिति अंग्रेजों के पक्ष में लग रही थी तपन ने जमीन पर पकड़ बनाने के लिए सभी को अपने जूते खोलने के लिए कहा आखिर कार हिम्मत के आखिरी मिनट में किए गए गोल ने भारत को चार तीन से मैच जिता दिया और अंत में जब कप्तान देवाग को स्वर्ण पदक मिलता है तो स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है और जन मन गान गाया जाता है और गोर विन तपन ने वंदे मातरम शब्दों के साथ कथा का, का समाप्त किया राष्ट्र क्योंकि राष्ट्रीय गान समाप्त होता है और खुशी के आंसू झलक पड़ते हैं ढालना में देखा गया तपन दास के रूप में अक्षय कुमार ने किरदार निभाया तपन की पत्नी मोन बीना दास के रूप में मो मोनिरॉय ने किरदार निभाया सम्राट के रूप में कुणाल कपूर ध्यानचंद के से प्रेरित किरदार निभाए रघुवीर पे पे रघुवीर प्रताप सिंह के रूप में अमित शाह कैडी सिंह के प्रेरित किरदार निभाते हुए नजर आए इमताज अली शाह के रूप में विनीत कुमार सिंह ने किरदार निभाया हिम्मत सिंह के रूप में सनी कोशाल ने किरदार निभाया सिमरन के रूप में निकता दत्ता ने किरदार निभाया इवान रोड्रिक्स खेल अधिकारी के रूप में नजर आए सर जेम्स बेनसन के रूप में एंड्र हेलविन ने किरदार निभाया सूर्यकांत पंत के रूप में लक्ष्य कोचर ने किरदार निभाया देवांग चतुर्वेदी के रूप में उदयवीर संधु ने किरदार निभाया तेज सिंह रंधावा के रूप में भावसिल सिंह साधी साहनी ने किरदार निभाया हारिस के रूप में अब्दुल कादिर अमीर ने किरदार निभाया आसिम बिलाल के रूप में वे वरुण सिंह राजपूत ने किरदार निभाया बसीर अहमद के रूप में प्रवीण जयसवाल ने किरदार निभाया श्री मेहता के रूप में अतुल काले ने किरदार निभाया डेरियस श्रोफ मिस्टर व्याड़िया के रूप में निभाया लेगफोर्ड एडम के रूप में तेजस्वी देव चौधरी ने किरदार निभाया फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2016 में उसके मुख्य अभिनेता अक्षय कुमार ने की थी अर्जुन पुरस्कार विजेता और भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह को अभिनेताओं को उनके हॉकी कौशल के सुधार करने के लिए प्रशिक्षण करने के लिए अनुबंधित किया गया था प्रमुख शूटिंग यार्कशायर और द मिडलसेंड इंग्लैंड में की गई थी निर्देशक रीमा कागती ने कहा कि ज, कुछ जो कुछ हुआ था उस पर यह एक काल्पनिक कहानी थी और साथ ही यह सिर्फ सन उन्नीस सौ अड़तालीस की में, में जीत नहीं थी और हम देख रहे हैं कि बल्कि इसमें भारत के इतिहास में बारह महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स फिल्म हैं जो रीमा कागती द्वारा लिखित और निर्देशित और फरहान अख्तर और रितेश सिद्धावनी द्वारा निर्मित है फिल्म में अक्षय कुमार मोनी रॉय अमित शाह कुणाल कपूर विनीत कुमार सिंह सैनी कोसल और नितिकता दत्ता जैसे कलाकार शामिल है फिल्म का निर्देशक रीमा कागती है लेखक है पटकथा रीमा कागती संवाद राजेश देवराज का कहानी है रीमा कागती और राजेश देवराज की उत्पादित किया रितेश सिद्धावनी ने और फरहान अख्तर ने अभिनीति अक्षय कुमार मोनी रॉय कुणाल कपूर अमित शाद विनीत के सिंह सनी कोसवाल ने दत्ता छायांकन है अलवार अलवारों गुतिरोज के संपाते संपत्ति है, है अनंत सुबाई की संगीत है गाने का स्कोर सचिन जिगर का है अतिरिक्त गाने तनिष्क बागची और आर के पार्व मुखर्जी के हैं। उत्पादन कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट है, है। वितरित किया एस ए ए फिल्म द्वारा रिलीज की तारीख है पंद्रह अगस्त दो कार्यक्रम एक सौ इक्यावन मिनट देश भारत और भाषा हिंदी गोल्ड एक सौ गोल्ड १९४८ में अड़तालीस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के भारत की भारतीय हिंदी टॉप टीम की यात्रा पर आधारित है यह तपनदास पर आधारित जिसने उसी स्पर्धा के भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया था गोल्ड को भारत के स्वतंत्रता दिवस के दौरान 15 अगस्त सन 2018 को नाटक के रूप में रिलीज किया गया था और यह फिल्म काफ़ी अच्छी सफल रही कहानी सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक के समय में शुरू होती है जब नाटकीय भारतीय टीम में जर्मनी के खिलाफ हॉकी फाइनल खेला जाता था जर्मनी ने नौ द्वारा भारतीय टीम के खिलाफ आक्रामक तरीके से खेलने की कोशिश के बावजूद भारतीय ने दूसरे हाफ में जीतना शुरू कर दिया जब टीम ने साहसक प्रबंधक तपन दास ने उन्हें हाफ टाइम ब्रेक के दौरान भारतीय ध्वज दिखाया जब कप्तान सम्राट और टीम को स्वर्ण पदक मिलता है तो ब्रिटिश गान बजाया जाता है और ब्रिटिश भारत का झंडा फहराया जाता है लेकिन भारतीय टीम खुद को वादा करती है कि वे अपनी मातृभूमि की ओर से एक बार फिर स्वर्ण पदक जीतेंगे और भारत की आज़ादी मिलने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के कारण अगले ओलंपिक रद्द पर कर दिया जाएगा युद्ध के बाद नशे में धुत और बिगड़ेल तपन घूमता रहता है और कई दावों में हर जाता है लेकिन जब उसे खबर मिलती है कि अगला ओलंपिक सन 1948 में लंदन में होगा तो वह शांत हो जाता है और भारत को एक स्वतंत्र देश के रूप में हॉकी खेलने कोचिंग देने की आकांक्षा रखता है सन 1948 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में नौ सिखिया हॉकी टीम के ने स्वतंत्र भारतीय के लिए पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक अर्जित किया तपन अब टीम के संयुक्त प्रबंधक के रूप में अपना पद जीतने के लिए संघर्ष कर रहा है और नई पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को लाने का वादा करता है वह मिस्टर वाडिया को समझाने में कामयाब हो जाता है और वापस अपने काम पर चला जाता है टीम का मार्गदर्शन करने के लिए वह पूर्व हॉकी कप्तान सम्राट जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं से मिलता है लेकिन सम्राट का ने मना कर दिया कि वह टीम के साथी इम्तियाज अली शाह को सुझाव दिया कि इम्तियाज सम्राट के साथ सन उन्नीस सौ छत्तीस के ओलंपिक में एक महान योगदान योगदानकर्ता भारतीय राष्ट्रीय सेना के एक सैनिक थे और तपन इम्तियाज से मिलता है और वह स्वतंत्र भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने के अपने सपने को शपथ को जारी रखने का फैसला करते हैं भारत की आज़ादी निकट आने का तपन टीम के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की तलाश करने के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों की यात्रा करता है तपन ने अपना वादा निभाया और कई क्षेत्रों में खिलाड़ियों को लेकर राष्ट्रीय हॉकी टीम बनाई इनमें मध्य भारत और पंजाब प्रतिभाशाली सेंटर फॉरवर्ड की जोड़ी ठाकुर रघुवीर प्रताप सिंह और हिम्मत सिंह भी शामिल थे इस बीच भारत को आज़ादी तो मिल गई लेकिन उसका भारत और पाकिस्तान में विभाजन हो गया एक दंगे के दौरान इम्तियाज घायल हो जाता है और सब जब कुछ हिंदुओं के सिखों के उसे जिंदा जलाने की कोशिश की जाती लेकिन तपन और हिंसक हिम्मत ने उसे बचा लिया वे हॉकी क्लब में इम्तियाज के घर पहुंचते हैं लेकिन उसे निराशा होती है कि उनका घर जलकर नष्ट हो जाता है दुखी इम्तियाज ने भारत में आगे रहने से इनकार कर दिया और लाहौर के लिए रवाना हो गया दुखी तपन तो बताते हैं कि देश के बंटवारे के साथ ही उनके सपने और आकांक्षाएं भी टूट गई आधी टीम पाकिस्तान के लिए खेलती लेकिन जब कुछ अन्य मुख्य रूप से एंग्लो इंडियन ऑस्ट्रेलिया चले गए तपन तो ने इसे अपने दम पर बनाने का फैसला किया और एक छोटे बोध स्कूल के अभ्यास के लिए टीम को लाया आश्रम के प्रमुख भिक्षु आश्वत है क्योंकि वह हॉकी के और सम्राट के बहुत बड़े प्रशंसक थे सपन से ही पैसे की टीम पैसों से टीम को यहाँ लाया और उनकी पत्नी मोनोबिना दास ने उनका समर्थन करती है और उनके सपनों को साकार करने के लिए मदद करती है प्रशिक्षण शुरू हो गया लेकिन कई विदों के कारण खिलाड़ियों के बीच टीम वर्क की कमी है अपने घमंड का का कायम रखने वाला रघुवीर हमेशा कड़ी मेहनत करने वाला हिम्मत से पार करने की कोशिश करता दूसरी ओर दे देवांग चतुर्वेदी बुद्धि और विवेक के साथ एक एक कुशल खिलाड़ी है तपन के साथ तपन और सम्राट अतंत खिलाड़ियों को एकता का पाठ पढ़ाते हैं और प्रशिक्षण समाप्त करते हैं सम्राट देवांग को कप्तान और रघुवीर के को उप कप्तान बनाता है और तपन से कहता है कि हिम्मत एक छिपा हुआ खजाना है जिसका ओलंपिक जिसका उपयोग ओलंपिक में सही समय पर किया जाएगा श्रीवाडिया हॉकी काउंसिलिंग के अध्यक्ष के रूप में मुख्य कोच बन जाते हैं और तपन को एक बार फिर टीम के सहायक प्रबंधक के रूप में सम्मानित किया जाता है इस चालू मेहता ने अपने पेट के कुछ शराब पिलाकर तपन को धोखा दिया और नशे में धुत तपन हॉकी काउंसिलिंग द्वारा आयोजित पार्टी में बहुत बुरा व्यवहार करता है और उसे उसके पद से हटा दिया जाता है हालांकि उसकी जगह मेहता को नियुक्त किया जाता है टीम को अब मेहता द्वारा लंदन में ओलंपिक स्तर पर लाया गया लेकिन मेहता का सामान्य अहंकार और अभि अभिमान खिलाड़ियों के सामने उनकी खराब छवि को सामने लाता है जब वे उसके खिलाफ शिकायत करते हैं तो श्रीवाडिया फिर से तपन को बुलाते हैं और फिर और तपन श्रीवाडिया और आस के आशीर्वाद से लंदन आते हैं और वे स्वयं न्यूयॉर्क से वहाँ लौटते थे ओलंपिक शुरू हो गया लेकिन हिम्मत को खेलने की अनुमति नहीं है भारत सेमीफाइनल में पहुंचने और जीतने के लिए अच्छा खेलता है लेकिन चूंकि वह खिलाड़ियों की सूची में नहीं है हिम्मत को लगता है कि वे उसे नीचा दिखाने के लिए रघुवीर की एक साजिश है एक जश्न के दौरान हिम्मत रघुवीर से लड़ने लगता है और उनके बीच झगड़ा बढ़ जाता है जिससे हिम्मत की छवि खराब हो जाती है और देवांग और रघुवीर ने हिम्मत को समझाने की कोशिश की कि यह तपन ही था जिसने खेल के लिए खिलाड़ियों की सूची का चयन किया था लेकिन सब व्यर्थ है आतंक से में फाइनल में तपन ने हिम्मत को खेलने के लिए सूचीबद्ध किया लेकिन चूंकि अन्य खिलाड़ियों ने पिछली रात उसके व्यवहार के खिलाफ शिकायत की थी इसलिए हिम्मत ने को खेलने से अनुमति नहीं है तपन इसका कारण बताते हैं कि कि लीग मैच के लीग में, में प्रतिद्वन्ती खिलाड़ी अच्छे खिलाड़ी पर निशाना लगाते हैं और सेमीफाइनल या फाइनल में निशाना लगा लगाते हैं कि जिससे उनके लिए अच्छा खेलना मुश्किल हो जाए हालांकि भारत सेमीफाइनल जीतता है लेकिन यह एक कठिन मैच बन जाता है फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ अपने फैले हाफ के हिम्मत फिर से मैच बैच पर बैठा था और ग्रेट ब्रिटेन ने दो खे गोल किए आधे समय के दौरान भारतीय ड्रेसिंग रूम में तपन की मेहता के साथ हिम्मत के खेलने की आवश्यकता के बारे में ताकी तीखी बहसी और जब मेहता ने अंतिम समय में टीम बदलने के इनकार कर दिया तो तपन सभी को भारतीय ध्वज दिखाता और उन्हें बताता है कि अपने सामने के सा, अपने सपनों को साकार करते हुए देखते हैं देखने के लिए बर्लिन ओलंपिक के बाद से इसे लेकर चला गया जब रघुवीर को यह कहते हुए कि कैम कमरे से बाहर चला जाता है कि अगर वह टीम की एकता को नहीं समझेगा तो उसके लिए बहुत देर हो चुकी इसके बार बाद दूसरा हाफ शुरू होता है तो तो हिम्मत खेलते नजर आते हैं और फिर रघुवीर की मदद से गोल करते हैं हालांकि खराब मौसम की स्थिति अंग्रेजों के पक्ष में लग रही थी तपन ने जमीन पर पकड़ बनाने के लिए सभी को अपने जूते खोलने के लिए कहा हिम्मत के आखिरी मिनट में किए गए गोल ने भारत को चार तीन से मैच जिता दिया और अंत में जब कप्तान देवाग को स्वर्ण पदक मिलता है तो स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है और जन गणम गांठ गाया जाता है और गोरविन तपन ने वंदे मातरम शब्दों के साथ कथा का, का समाप्त किया राष्ट्र क्योंकि राष्ट्रीय गान समाप्त होता है और खुशी के आंसू झलक पड़ते हैं ढालना में देखा गया तपन दास के रूप में अक्षय कुमार ने किरदार निभाया तपन की पत्नी मोनी बिना दास के रूप में मोनिरोय ने किरदार निभाया सम्राट के रूप में कुणाल कपूर ध्यानचंद के से प्रेरित किरदार निभाया रघुवीर पे रघुवीर पे प्रताप सिंह के रूप में अमित शाह कैडी सिंह के प्रेरित किरदार निभाते हुए नजर आए इम्ताज अली शाह के रूप में विनीत कुमार सिंह ने किरदार निभाया हिम्मत सिंह के रूप में।, में सनी कोशाल ने किरदार निभाया सिमरन के रूप में निकता दत्ता ने किरदार निभाया इवान रोड्रिक्स खेल अधिकारी के रूप में नजर आए सर जेम्स बेनसन के रूप में हेलविन ने किरदार निभाया सूर्यकांत पंत के रूप में लक्ष्य कोचर ने किरदार निभाया देवांग चतुर्वेदी के रूप में उदयवीर संधू ने किरदार निभाया तेज सिंह रंधावा तो के रूप तो में भावशील सिंह साधी साहनी ने किरदार निभाया हारिस के रूप में अब्दुल कादिर अमीर ने किरदार निभाया आसिम बिलाल के रूप में वे वरुण सिंह राजपूत ने किरदार निभाया बसीर अहमद के रूप में प्रवीण जयसवाल ने किरदार निभाया श्री मेहता के रूप में अतुल काले ने किरदार निभाया डेरियस श्रोफ मिस्टर व्याड़िया के रूप में निभाया लेगफोर्ड एडम के रूप में तेजस्वी देव चौधरी ने किरदार निभाया फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2016 में उसके मुख्य अभिनेता अक्षय कुमार ने की थी। अर्जुन पुरस्कार विजेता और भारतीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण करने के लिए, लिए अनुबंधित किया गया था प्रमुख शूटिंग यार्कशायर और द मेडलसेंड इंग्लैंड में की गई थी निर्देशक रीमा कागती ने कहा कि जो कुछ जो कुछ हुआ था उस पर यह एक काल्पनिक कहानी थी और साथ ही यह सिर्फ सन उन्नीस सौ अड़तालीस की शरण में जीत नहीं थी और हम देख रहे हैं कि बल्कि इसमें भारत के इतिहास में बारह महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स फिल्म हैं जो रीमा कागती द्वारा लिखित और निर्देशित और फरहान अख्तर और रितेश सिद्धावनी द्वारा निर्मित है फिल्म में अक्षय कुमार मोनी रॉय अमित शाह कुणाल कपूर विनीत कुमार सिंह सैनी कोसाल और नितिकता दत्ता जैसे कलाकार शामिल है फिल्म का निर्देशक रीमा कागती है लेखक है पटकथा रीमा कागती संवाद राजेश देवराज का कहानी है रीमा कागती और राजेश देवराज की उत्पादित किया रितेश सिद्धावनी ने और फरहान अख्तर ने अभिनी अक्षय कुमार मोनी रॉय कुणाल कपूर अमित साध विनीत के सिंह सनी कोसवाल ने दत्ता छायांकन है अलवार अलवारों गुतिरोज के संपाते संपत्ति है आनन्द सुबाई की संगीत है गाने का स्कोर सचिन जिग्गर का है अतिरिक्त गाने तनिष्क बागची और आर के पार्व मुखर्जी के उत्पादन कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट है, है। वितरित किया एस ए ए फिल्म द्वारा रिलीज की तारीख है पंद्रह अगस्त दो हजार अट्ठारह कार्यक्रम एक सौ इक्यावन मिनट देश भारत और भाषा हिंदी गोल्ड एक सौ गोल्ड 1948 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के भारत की भारतीय हिंदी टॉप टीम की यात्रा पर आधारित है यह तपनदास पर आधारित जिसने उसी स्पर्धा के भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया था गोल्ड को भारत के स्वतंत्रता दिवस के दौरान 15 अगस्त सन 2018 को नाटक के रूप में रिलीज किया गया था और यह फिल्म काफ़ी अच्छी सफल रही कहानी सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक के समय में शुरू होती है जब नाटकीय भारतीय टीम में जर्मनी के खिलाफ हॉकी फाइनल खेला जाता था नौ द्वारा भारतीय टीम के खिलाफ आक्रामक तरीके से खेलने की कोशिश के बावजूद भारतीय ने दूसरे हाफ में जीतना शुरू कर दिया जब टीम ने साहसक प्रबंधक तपन दास ने उन्हें हाफ टाइम ब्रेक के दौरान भारतीय ध्वज दिखाया जब कप्तान सम्राट और टीम को स्वर्ण पदक मिलता है तो ब्रिटिश राष्ट्रीय भारत का झंडा फहराया जाता है लेकिन भारतीय टीम खुद को वादा करती है कि वे अपनी मातृभूमि एक बार फिर स्वर्ण पदक जीतेंगे और भारत की आजादी मिलने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के कारण अगले ओलंपिक रद्द पर कर दिया जाएगा युद्ध के बाद नशे में धुत और बिगड़ेल तपन घूमता रहता है और कई दावों में हर जाता है लेकिन जब उसे खबर मिलती है कि अगला ओलंपिक सन उन्नीस में लंदन में होगा तो वह शांत हो जाता है और भारत को एक स्वतंत्र देश के रूप में हॉकी खेलने कोचिंग देने की आकांक्षा रखता है सन 1948 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में नौसिखिया हॉकी टीम के ने स्वतंत्र भारतीय के लिए पहला ओलंपिक स्वर्ण पदक अर्जित किया तपन अब टीम के संयुक्त प्रबंधक के रूप में अपना पद जीतने के लिए संघर्ष कर रहा है और नई पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को लाने का वादा करता है वह मिस्टर वाडिया को समझाने में कामयाब हो जाता है और वापस अपने काम पर चला जाता है टीम का मार्गदर्शन करने के लिए वह पूर्व हॉकी कप्तान सम्राट जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं से मिलता है लेकिन सम्राट का ने मना कर दिया कि वह टीम के साथी इम्तियाज अली शाह को सुझाव दिया कि इम्तियाज सम्राट के साथ सन उन्नीस सौ छत्तीस के ओलंपिक में एक महान योगदान योगदानकर्ता भारतीय राष्ट्रीय सेना के एक सैनिक थे और तपन इम्तियाज से मिलता है और वह स्वतंत्र भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने के अपने सपने को शपथ को जारी रखने का फैसला करते हैं भारत की आज़ादी निकट आने का तपन टीम के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की तलाश करने के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों की यात्रा करता है आतंक तपन ने अपना वादा निभाया और कई क्षेत्रों में खिलाड़ियों को लेकर राष्ट्रीय हॉकी टीम बनाई इनमें मध्य भारत और पंजाब प्रतिभाशाली सेंटर फॉरवर्ड की जोड़ी ठाकुर रघुवीर प्रताप सिंह और हिम्मत सिंह भी शामिल थे इस बीच भारत को आज़ादी तो मिल गई लेकिन उसका भारत और पाकिस्तान में विभाजन हो गया एक दंगे के दौरान इम्तियाज घायल हो जाता है और सब जब कुछ हिंदुओं के सिखों के उसे जिंदा जलाने की कोशिश की जाती लेकिन तपन और हिंसक हिम्मत ने उसे बचा लिया वे हॉकी क्लब में इम्तियाज के घर पहुंचते हैं लेकिन उसे निराशा होती है कि उनका घर जलकर नष्ट हो जाता है दुखी इम्तियाज ने भारत में आगे रहने से इनकार कर दिया और लाहौर के लिए रवाना हो गया दुखी तपन बताते हैं कि देश के बंटवारे के साथ ही उनके सपने और आकांक्षाएं भी टूट गई आधी टीम पाकिस्तान के लिए खेलती लेकिन जब कुछ अन्य मुख्य रूप से एंग्लो इंडियन ऑस्ट्रेलिया चले गए तपन ने इसे अपने दम पर बनाने का फैसला किया और एक छोटे बौद्ध स्कूल के अभ्यास के लिए टीम को लाया आश्रम के प्रमुख भिक्षु आश्वत है क्योंकि वह हॉकी के और सम्राट के बहुत बड़े प्रशंसक थे तपन से ही पैसे की टीम पैसों से टीम को यहाँ लाया और उनकी पत्नी मोनोबिना दास ने उनका समर्थन करती है और उनके सपनों को साकार करने के लिए मदद करती है प्रशिक्षण शुरू हो गया लेकिन कई विदों के कारण खिलाड़ियों के बीच टीम वर्क की कमी है अपने घमंड का का कायम रखने वाला रघुवीर हमेशा कड़ी मेहनत करने वाला हिम्मत से पार करने की कोशिश करता दूसरी ओर देव देवांग चतुर्वेदी बुद्धि और वेग के साथ एक एक कुशल खिलाड़ी है तपन के साथ तपन और सम्राट अत्यंत खिलाड़ियों को एकता का पाठ पढ़ाते हैं और प्रशिक्षण समाप्त करते हैं सम्राट देवांग को कप्तान और रघुवीर के को उप कप्तान बनाता है और तपन से कहता है कि हिम्मत एक छिपा हुआ खजाना है जिसका ओलंपिक जिसका उपयोग ओलंपिक में सही समय पर किया जाएगा श्रीवाडिया हॉकी काउंसिलिंग के अध्यक्ष के रूप में मुख्य कोच बन जाते हैं और तपन को एक बार फिर टीम के सहायक प्रबंधक के रूप में सम्मानित किया जाता है इस चालू मेहता ने अपने पे के कुछ शराब पिलाकर तपन को धोखा दिया और नशे में धुत तपन हॉकी काउंसलिंग द्वारा आयोजित पार्टी में बहुत बुरा व्यवहार करता है और उसे उसके पद से हटा दिया जाता है हालांकि उसकी जगह मेहता को नियुक्त किया जाता है टीम को अब मेहता द्वारा लंदन में ओलंपिक स्तर पर लाया गया लेकिन मेहता का सामान्य अहंकार और अभि अभिमान खिलाड़ियों के सामने उनकी खराब छवि को सामने लाता है जब वे उसके खिलाफ शिकायत करते हैं तो श्रीवाडिया फिर से तपन को बुलाते हैं और फिर और तपन श्रीवाडिया और आस के आशीर्वाद से लंदन आते हैं और वे स्वयं न्यूयॉर्क से वहां लौटे थे ओलंपिक शुरू हो गया लेकिन हिम्मत को खेलने की अनुमति नहीं है भारत सेमीफाइनल में पहुँचने और जीतने के लिए अच्छा खेलता है लेकिन चूंकि वह खिलाड़ियों की सूची में नहीं है हिम्मत को लगता है कि वे उसे नीचा दिखाने के लिए रघुवीर की एक साजिश है एक जश्न के दौरान हिम्मत रघुवीर से लड़ने लगता है और उनके बीच झगड़ा बढ़ जाता है जिससे हिम्मत की छवि खराब हो जाती है और देवांग और रघुवीर ने हिम्मत को समझाने की कोशिश की कि यह तपन ही था जिसने खेल के लिए खिलाड़ियों की सूची का चयन किया था लेकिन सब व्यर्थ है आतंक से में फाइनल में तपन ने हिम्मत को खेलने के लिए सूचीबद्ध किया लेकिन चूंकि अन्य खिलाड़ियों ने पिछली रात उसके व्यवहार के खिलाफ शिकायत की थी इसलिए हिम्मत ने को खेलने से अनुमति नहीं है तपन इसका कारण बताते हैं कि कि लीग मैच के लीग में में प्रतिद्वंदी खिलाड़ी अच्छे खिलाड़ी पर निशाना लगाते हैं और सेमीफाइनल या फाइनल में निशाना लगा लगाते हैं कि जिससे उनके लिए अच्छा खेलना मुश्किल हो जाए हालांकि भारत सेमीफाइनल जीतता है लेकिन यह एक कठिन मैच बन जाता है फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ अपने फैले हाफ के हिम्मत फिर से मैच बैच पर बैठा था और ग्रेट ब्रिटेन ने दो खे गोल किए आधे समय के दौरान भारतीय ड्रेसिंग रूम में तपन की मेहता के साथ हिम्मत के खेलने की आवश्यकता के बारे में ताकि तीखी बहसी और जब मेहता ने अंतिम समय में टीम बदलने के इनकार कर दिया तो तपन सभी को भारतीय ध्वज दिखाता और उन्हें बताता है कि अपने सामने के सा, अपने सपनों को साकार करते हुए देखते हैं देखने के लिए बर्लिन ओलंपिक के बाद से इसे लेकर चला गया जब रघुवीर को यह कहते हुए कि कैम कमरे से बाहर चला जाता है कि अगर वह टीम की एकता को नहीं समझेगा तो उसके लिए बहुत देर हो चुकी इसके बाद दूसरा हाफ शुरू होता है तो तो हिम्मत खेलते नजर आते हैं और फिर रघुवीर की मदद से गोल करते हैं हालांकि खराब मौसम की स्थिति अंग्रेजों के पक्ष में लग रही थी तपन ने जमीन पर पकड़ बनाने के लिए सभी को अपने जूते खोलने के लिए कहा आखिरकार हिम्मत के आखिरी मिनट में किए गए गोल ने भारत को चार तीन से मैच जिता दिया और अंत में जब कप्तान देवाग को स्वर्ण पदक मिलता है तो स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है और जन, गान गाया जाता है और विन ने वंदे मातरम शब्दों के साथ कथा का, का समाप्त किया राष्ट्र क्योंकि राष्ट्रीय गान समाप्त होता है और खुशी के आंसू झलक पड़ते हैं ढालना में देखा गया तपन दास के रूप में अक्षय कुमार ने किरदार निभाया तपन की पत्नी मोनी बीना दास के रूप में मोनिरोय ने किरदार निभाया सम्राट के रूप में कुणाल कपूर ध्यानचंद से प्रेरित किरदार निभाए रघुवीर पे रघुवीर पे प्रताप सिंह के रूप में अमित शाह कैडी सिंह के प्रेरित किरदार निभाते हुए नजर आए इमताज अली शाह के रूप में विनित कुमार सिंह ने किरदार निभाया हिम्मत सिंह के रूप में सनी कोशाल ने किरदार निभाया सिमरन के रूप में निकता दत्ता ने किरदार निभाया इवान रोड्रिक्स खेल अधिकारी के रूप में नजर आए सर जेम्स बेनस सन के रूप में एंड्र हेलविन ने किरदार निभाया सूर्यकांत पंत के रूप में लक्ष्य कोचर ने किरदार निभाया देवांग चतुर्वेदी के रूप में उदयवीर संधू ने किरदार निभाया तेज सिंह रंधावा के रूप में भावशील सिंह साधी साहनी ने किरदार निभाया हारिस के रूप में अब्दुल कादिर अमीर ने किरदार निभाया आसिम बिलाल के रूप में वे वरुण सिंह राजपूत ने किरदार निभाया बसीर अहमद के रूप में प्रवीण जयसवाल ने किरदार निभाया श्री मेहता के रूप में अतुल काले ने किरदार निभाया डेरियस श्रोफ मिस्टर बाडिया के रूप में आए लैगफोर्ड एडम के रूप में तेजस्वी देव चौधरी ने किदा निभाया फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2016 में उसके मुख्य अभिनेता अक्षय कुमार ने की थी अर्जुन पुरस्कार विजेता और भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह को अभिनेताओं को उनके हॉकी कौशल के सुधार करने के लिए प्रशिक्षण करने के लिए अनुबंधित किया गया था प्रमुख शूटिंग यॉर्कशायर और द मिडलसेंट इंग्लैंड में की गई थी निर्देशक रीमा कागती ने कहा कि ज, कुछ जो कुछ हुआ था उस पर यह एक काल्पनिक कहानी थी और साथ ही यह सिर्फ सन उन्नीस सौ अड़तालीस की शरण में जीत नहीं थी और हम देख रहे हैं कि बल्कि इसमें भारत के इतिहास में बारह महत्वपूर्ण पीरियड स्पोर्ट्स फिल्म हैं जो रीमा कागती द्वारा लिखित और निर्देशित और फरहान अख्तर और रितेश सिद्धावनी द्वारा निर्मित है फिल्म में अक्षय कुमार मोनी रॉय अमित शाह कुणाल कपूर विनीत कुमार सिंह सैनी कोसल और नितिकता दत्ता जैसे कलाकार शामिल है फिल्म का निर्देशक रीमा कागती है लेखक है पटकथा रीमा कागती संवाद राजेश देवराज का कहानी है रीमा कागती और राजेश देवराज की उत्पादित किया रितेश सिद्धावनी ने और फरहान अख्तर ने अभिनी अक्षय कुमार मोनी रॉय कुणाल कपूर अमित शाद विनीत के सिंह सनी कोसवाल ने किता दत्ता छायांकन है अलवार अलवारो रोज के संपाते संपत्ति है आनंद सुबाई की संगीत है गाने का स्कोर सचिन जिग्गर का है अतिरिक्त गाने तनिष्क बागची और आर के पार्व मुखर्जी के है उत्पादन कंपनी एल एक्सेल एंटरटेनमेंट है वितरित किया एस ए ए फिल्म द्वारा रिलीज की तारीख है पंद्रह अगस्त दो हजार कार्यक्रम एक सौ इक्यावन मिनट देश भारत और भाषा हिंदी गोल्ड एक सौ गोल्ड उन्नीस सौ अड़तालीस में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के भारत की भारतीय हिंदी टॉप टीम की यात्रा कर आधारित है यह तपन दास पर आधारित जिसने उसी स्पर्धा के भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया था गोल्ड को भारत के स्वतंत्रता दिवस के दौरान 15 अगस्त सन 2018 को नाट के रूप में रिलीज किया गया था और यह फिल्म काफ़ी अच्छी सफल रही कहानी सन 1936 में बर्लिन ओलंपिक के समय में शुरू होती है जब नाटकीय भारतीय टीम में जर्मनी के खिलाफ हॉकी फाइनल खेला जाता था जर्मनी नौ द्वारा भारतीय टीम के खिलाफ आक्रामक तरीके से खेलने की कोशिश के बावजूद भारतीय ने दूसरे हाफ में जीतना शुरू कर दिया जब टीम ने साहसक प्रबंधक तपन दास ने उन्हें हाफ टाइम ब्रेक के दौरान भारतीय ध्वज दिखाया जब कप्तान सम्राट और टीम को स्वर्ण पदक मिलता है तो ब्रिटिश राष्ट्रीय गान बजाया जाता है और ब्रिटिश भारत का झंडा फहराया जाता है लेकिन भारतीय टीम खुद को वादा करती है कि वे अपनी मातृभूमि की ओर से एक बार फिर स्वर्ण पदक जीतेंगे और भारत की आज़ादी मिलने के बाद द्वितीय विश्व युद्ध के कारण अगले ओलंपिक रद्द पर कर दिया जाएगा युद्ध के बाद नशे में धुत और बिगडेल तपन घूमता रहता है और कई दावों में हार जाता है लेकिन जब उसे खबर मिलती है कि अगला ओलंपिक सन उन्नीस में लंदन में होगा तो वह शांत हो जाता है और भारत को एक स्वतंत्र देश के रूप में हॉकी खेलने कोचिंग देने की आकांक्षा रखता है सन 1948 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में हॉकी टीम के ने स्वतंत्र भारतीय के लिए पहला ओलंपिक पदक अर्जित किया तपन अब टीम के संयुक्त प्रबंधक के रूप में अपना पद जीतने के लिए संघर्ष कर रहा है और नई पीढ़ी के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों को लाने का वादा करता है वह मिस्टर वाडिया को समझाने में कामयाब हो जाता है और वापस अपने काम पर चला जाता है टीम का मार्गदर्शन करने के लिए वे पूर्व हॉकी कप्तान सम्राट जो अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं से मिलता है लेकिन सम्राट का ने मना कर दिया कि वे टीम के साथी इम्तियाज अली शाह को सुझाव दिया कि इम्तियाज सम्राट के साथ सन 1936 के ओलंपिक में एक महान योगदान योगदानकर्ता भारतीय राष्ट्रीय सेना के सैनिक थे और तपन इम्तियाज से मिलता है और वह स्वतंत्र भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने के अपने सपने को शपथ को जारी रखने का फैसला करते हैं भारत की आज़ादी निकट आने का तपन टीम के लिए सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों की तलाश करने के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों की यात्रा करता है तपन ने अपना वादा निभाया और कई क्षेत्रों में खिलाड़ियों को लेकर राष्ट्रीय हॉकी टीम बनाई इनमें मध्य भारत और पंजाब प्रतिभाशाली सेंटर फॉर फॉरवर्ड की जोड़ी ठाकुर रघुवीर प्रताप सिंह और हिम्मत सिंह भी शामिल थे इस बीच भारत को आजादी तो मिल गई लेकिन उसका भारत और पाकिस्तान में विभाजन हो गया एक दंगे के दौरान इम्तियाज घायल हो जाता है और सब जब कुछ हिंदुओं के सिखों के उसे जिंदा जलाने की कोशिश की जाती लेकिन तपन और हिंसक हिम्मत ने उसे बचा लिया वे हॉकी क्लब में इम्तियाज के घर पहुंचते हैं लेकिन उसे निशा निराशा होती है कि उनका घर जलकर नष्ट हो जाता है दुखी इम्तियाज ने भारत में आगे रहने से इनकार कर दिया और लाहौर के लिए रवाना हो गया दुखी तपन बताते हैं कि देश के बंटवारे के साथ ही उनके सपने और आकांक्षाएं भी टूट गई आधी टीम पाकिस्तान के लिए खेलती लेकिन जब कुछ अन्य मुख्य रूप से एंग्लो इंडियन ऑस्ट्रेलिया चले गए तपन ने इसे अपने दम पर बनाने का फैसला किया और एक छोटे स्कूल के अभ्यास के लिए टीम को लाया आश्रम के प्रमुख आश्वत है क्योंकि वह के और सम्राट के बहुत बड़े प्रशंसक थे तपन से ही पैसे की टीम पैसों से टीम को यहाँ लाया और उनकी पत्नी मोनोबिना दास ने उनका समर्थन करती है और उनके सपनों को साकार करने के लिए मदद करती है प्रशिक्षण शुरू हो गया लेकिन कई विदों के कारण खिलाड़ियों के बीच टीम वर्क की कमी है अपने घमंड का का कायम रखने वाला रघुवीर हमेशा कड़ी मेहनत करने वाला हिम्मत से पार करने की कोशिश करता दूसरी ओर दे, देवांग चतुर्वेदी बुद्धि और विवेक के साथ एक, एक कुशल खिलाड़ी है तपन के साथ तपन और सम्राट अत्यंत खिलाड़ियों को एकता का पाठ पढ़ाते हैं और प्रशिक्षण समाप्त करते हैं सम्राट देवांग को कप्तान और रघुवीर के को उप कप्तान बनाता है और तपन से कहता है कि हिम्मत एक छिपा हुआ खजाना है जिसका ओलंपिक जिसका उपयोग ओलंपिक में सही समय पर किया जाएगा श्रीवाडिया वाडिया हॉकी काउंसलिंग के अध्यक्ष के रूप में मुख्य कोच बन जाते हैं और तपन को एक बार फिर टीम के सहायक प्रबंधक के रूप में सम्मानित किया जाता है इस चालू मेहता ने अपने पे के कुछ शराब पिलाकर तपन को धोखा दिया और नशे में धुत तपन हॉकी काउंसलिंग द्वारा आयोजित पार्टी में बहुत बुरा व्यवहार करता है और उसे उसके पद से हटा दिया जाता है हालांकि उसकी जगह मेहता को नियुक्त किया जाता है टीम को अब मेहता द्वारा लंदन में ओलंपिक स्तर पर लाया गया लेकिन मेहता का सामान्य अहंकार और अभिमान खिलाड़ियों के सामने उनकी खराब छवि को सामने लाता है जब वे उसके खिलाफ शिकायत करते हैं तो श्रीवाड़िया फिर से तपन को बुलाते हैं और फिर और तपन श्रीवाडिया और के आशीर्वाद से लंदन आते हैं और वे स्वयं न्यूयॉर्क से वहाँ लौटे थे ओलंपिक शुरू हो गया लेकिन हिम्मत को खेलने की अनुमति नहीं है भारत सेमीफाइनल में पहुँचने और जीतने के लिए अच्छा खेलता है लेकिन चूंकि वह खिलाड़ियों की सूची में नहीं है हिम्मत को लगता है कि वे उसे नीचा दिखाने के लिए रघुवीर की एक साजिश है एक जश्न के दौरान हिम्मत रघुवीर से लड़ने लगता है और उनके बीच झगड़ा बढ़ जाता है जिससे हिम्मत की छवि खराब हो जाती है और देवांग और रघुवीर ने हिम्मत को समझाने की कोशिश की कि तपन ही था जिसने खेल गेले खिलाड़ियों की सूची का चयन किया था लेकिन सब व्यर्थ है आतंक से में फाइनल में तपन ने हिम्मत को खेलने के लिए सूचीबद्ध किया लेकिन चूंकि अन्य खिलाड़ियों ने पिछली रात उसके व्यवहार के खिलाफ शिकायत की थी इसलिए हिम्मत ने को खेलने से अनुमति नहीं है तपन इसका कारण बताते हैं हैं कि कि लीग के, लीग मैच के में खिलाड़ी खिलाड़ी अच्छे खिलाड़ी पर निशाना लगाते और सेमीफाइनल या फाइनल में निशाना लगाते हैं लगाते हैं कि जिससे उनके लिए अच्छा खेलना मुश्किल हो जाए हालांकि भारत सेमीफाइनल जीतता है लेकिन यह एक कठिन मैच बन जाता है फाइनल में ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ अपने फैले हाफ के हिम्मत फिर से मैच बैच पर बैठा था और ग्रेट ब्रिटेन ने दो खे गोल किए आधे समय के दौरान भारतीय ड्रेसिंग रूम में तपन की मेहता के साथ हिम्मत के खेलने की आवश्यकता के बारे में ताकी तीखी बहसी और जब मेहता ने अंतिम समय में टीम बदलने के इनकार कर दिया तो तपन सभी को भारतीय द्वज दिखाता और उन्हें बताता कि अपने सामने के सा, अपने सपनों को साकार करते हुए देखते हैं देखने के लिए बर्लिन ओलंपिक के बाद से इसे लेकर चला गया जब रघुवीर को यह कहते हुए कि कमरे से बाहर चला जाता है कि अगर वह टीम की एकता को नहीं समझेगा तो उसके लिए बहुत देर हो चुकी इसके बाद दूसरा हाफ शुरू होता है तो, तो हिम्मत खेलते नजर आते हैं और फिर रघुवीर की मदद से गोल करते हैं हालांकि खराब मौसम की स्थिति अंग्रेजों के पक्ष में लग रही थी तपन ने जमीन पर पकड़ बनाने के लिए सभी को अपने जूते खोलने के लिए कहा आखिरकार हिम्मत के आखिरी मिनट में किए गए गोल ने भारत को चार तीन से मैच जिता दिया और अंत में जब कप्तान देवाग को स्वर्ण पदक मिलता है तो स्वतंत्र भारत का राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है और जन गणम गांठ गाया जाता है और गौरविंद तपन ने वंदे मातरम शब्दों के साथ कथा का, का समाप्त किया राष्ट्र क्योंकि राष्ट्रीय गान समाप्त होता है और खुशी के आंसू झलक पड़ते हैं ढालना में देखा गया तपन दास के रूप में अक्षय कुमार ने किरदार निभाया तपन की पत्नी मोनी बीना दास के रूप में मोनिरोय ने, ने किरदार निभाया सम्राट के रूप में कुणाल कपूर ध्यानचंद के से प्रेरित किरदार निभाए रघुवीर पे रघुवीर पे, प्रताप सिंह के रूप में अमित शाह कैडी सिंह के प्रेरित किरदार निभाते हुए नजर आए इमताज अली शाह के रूप में विनीत कुमार सिंह ने किरदार निभाया हिम्मत सिंह के रूप में, में सनी कोसाल ने किरदार निभाया सिमरन के रूप में निकता दत्ता ने किरदार निभाया इवान रोड्रिक्स खेल अधिकारी के रूप में नजर आए सर जेम्स बेनस सन के रूप में एंड्र हेलविन ने किरदार निभाया सूर्यकांत पंत के रूप में लक्ष्य कोचर ने किरदार निभाया देवांग चतुर्वेदी के रूप में उदयवीर संधू ने किरदार निभाया तेज सिंह रंधावा के रूप में भावसिल सिंह साहनी ने किरदार निभाया हारिस के रूप में अब्दुल कादिर अमीर ने किरदार निभाया, आसिम बिलाल के रूप में वे वरुण सिंह राजपूत ने किरदार निभाया बसीर अहमद के रूप में प्रवीण जयसवाल ने किरदार निभाया श्री मेहता के रूप में अतुल काले ने किरदार निभाया डेरियस श्रोफ मिस्टर वाडिया के रूप में निभाया लेगफोर्ड एडम के रूप में तेजस्वी देव चौधरी ने किरदार निभाया फिल्म की आधिकारिक घोषणा अक्टूबर 2016 में उसके मुख्य अभिनेता अक्षय कुमार ने की थी अर्जुन पुरस्कार विजेता और भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान संदीप सिंह को अभिनेताओं में को उनके हॉकी कौशल के सुधार करने के लिए प्रशिक्षण करने के लिए अनुबंधित किया गया था प्रमुख शूटिंग यार्कशायर और द मिडिल इंग्लैंड में की गई थी निर्देशक रीमा कागती ने कहा कि जो कुछ जो कुछ हुआ था उस पर यह एक काल्पनिक कहानी थी और साथ ही यह सिर्फ सन उन्नीस की सरम में जीत नहीं थी और हम देख रहे हैं कि बल्कि इसमें भारत के इतिहास में बारह महत्वपूर्ण स्पोर्ट्स फिल्म हैं जो रीमा कागती द्वारा लिखित और निर्देशित और फरहान अख्तर और रितेश सिद्धावनी द्वारा निर्मित है फिल्म में अक्षय कुमार मोनी रॉय अमित शाह कुणाल कपूर विनीत कुमार सिंह सैनी कोसाल और नितिकता दत्ता जैसे कलाकार शामिल है फिल्म का निर्देशक रीमा कागती है लेखक है पटकथा रीमा कागती संवाद राजेश देवराज का कहानी है रीमा कागती और राजेश देवराज की उत्पादित किया रितेश सिद्धावनी ने और फरहान अख्तर ने अभिनीति अक्षय कुमार मोनी रॉय कुणाल कपूर अमित साध विनीत के सिंह सनी कोसवाल ने दत्ता छायांकन है अलवार अलवारों गुतिरोज के संपाते संपत्ति है आनन्द सुबह की संगीत है गाने का स्कोर सचिन जिग्गर का है अतिरिक्त गाने तनिष्क बागची और आर के पार्व मुखर्जी के हैं। उत्पादन कंपनी एक्सेल एंटरटेनमेंट है, है। वितरित किया एस ए ए फिल्म द्वारा रिलीज की तारीख है पंद्रह अगस्त दो हजार अट्ठारह कार्यक्रम एक सौ इक्यावन मिनट देश भारत और भाषा हिंदी गोल्ड एक सौ गोल्ड 1948 में ग्र ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के भारत की भारतीय हिंदी टॉप टीम की यात्रा पर आधारित है यह तपनदास पर आधारित जिसने उसी स्पर्धा के भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया था गोल्ड को भारत के स्वतंत्रता दिवस के दौरान 15 अगस्त सन को हजार के रूप में रिलीज किया गया था और यह फिल्म काफी अच्छी सफल रही कहानी सन उन्नीस में बर्लिन ओलंपिक के समय में शुरू होती है जब नाटकीय भारतीय टीम में जर्मनी के खिलाफ हॉकी फाइनल खेला जाता था जर्मनी नौ द्वारा भारतीय टीम के खिलाफ आक्रामक